चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलो, मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगा। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने एससीआर एज ए थायरिस्टर को स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि जो आपका एससीआर होता है वो आपका फोर लेयर थ्री टर्मिनल एंड आपका थ्री जंक्शन डिवाइस होता है, ठीक है। जनरली आपका जो है आपका एनोड और कैथोड जो होते हैं वो आपके मेन टर्मिनल कहलाते हैं। मेन टर्मिनल का मतलब है कि सोर्स और लोड उनके बीच में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। थर्ड टर्मिनल आपका जो गेट टर्मिनल होता है वो आपका कंट्रोल टर्मिनल होता है और गेट टर्मिनल की हेल्प से या फिर कंट्रोल टर्मिनल की हेल्प से आप अपने केवल एससीआर को क्या कर सकते हैं, टर्न ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो है एक बार एससीआर टर्न ऑन हो जाएगा उसके बाद गेट का जो कंट्रोल होता है वो एससीआर के ऊपर से खत्म हो जाता है। मतलब एक बार डिवाइस ऑन स्टेट में पहुंच जाती है उसके बाद आप गेट सिग्नल देते रहिए या फिर आप उसको रिमूव कर लीजिए, आपकी डिवाइस अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, वो आपकी कंडक्शन स्टेट में बनी रहेगी। मतलब गेट टर्मिनल की हेल्प से आप अपने डिवाइस को टर्न ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जनरली अगर जो है डिवाइस के ऑन होने के बाद गेट का कंट्रोल खत्म हो जाता है तो ऑन होने के बाद हम गेट सिग्नल नहीं देते हैं, क्योंकि अगर आप गेट से ऑन होने के बाद आप अपने एससीआर को गेट सिग्नल देते रहेंगे तो उस गेट पावर का जो है कोई भी यूज नहीं होने वाला। वो गेट पावर जो होगी वो केवल और केवल लॉस में जाने वाली है आपका J3 जंक्शन के क्रॉस। J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहेगा, जो भी पावर जाएगी उस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस में वो पावर क्या होगी, हीट के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे डिवाइस में भी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, हीटअप हो जाएगी। और डिवाइस हीटअप होने से उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए जल्दी एक बार डिवाइस आपकी टर्न ऑन हो जाती है तो हम क्या करते हैं, गेट सिग्नल को रिमूव कर लेते हैं टू अवॉइड द कॉन्टिन्यूअस गेट पावर लॉस, ठीक है। एससीआर को जनरली ऑफ करने के लिए एक स्पेशल टाइप के सर्किट का रिक्वायरमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेशन सर्किट, ठीक है। जब भी मुझे अपनी डिवाइस को ऑफ करना होगा वी कैन एक्टिवेट द कम्यूटेशन सर्किट एंड यह दैट कम्यूटेशन सर्किट विल बी नथिंग बट आपके एससीआर को क्या कर देगा, टर्न ऑफ कर देगा। तो आप कंट्रोल टर्मिनल के हिसाब से आप अपने एससीआर की केवल एक ही स्टेट को क्या करते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं जो कि ऑन स्टेट होती है। इसलिए आपका जो एससीआर है वो आपकी कैसी डिवाइस है, पार्शली कंट्रोल या फिर सेमी कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आपका एससीआर होता है वो आपका करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए हम गेट टर्मिनल फिर कंट्रोल टर्मिनल से करंट सिग्नल भेजते हैं और ये आपका लो पावर सर्किट होता है, एनालॉग सर्किट से मिलकर बना होता है, ठीक है। और आप देखेंगे जो गेट सिग्नल आप देते हैं वो लो पावर सर्किट होता है और करंट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, तो दिस इज नथिंग बट ए करंट कंट्रोल डिवाइस विल बी देयर। और जनरली हम हमेशा
एसटीआर में पॉजिटिव गेट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, मतलब गेट का पोटेंशियल कैथोड से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। पॉजिटिव गेट सिग्नल हमेशा क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, नेगेटिव गेट सिग्नल आपके एससीआर को नहीं दिया जाता। तो ये सारी की सारी चीजें कल मैंने बताई थी। ये भी बताया था कि जो एससीआर है वो आपकी केवल और केवल फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करती है। अगर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करती है तो ये आपकी यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है फॉर द करंट, और वोल्टेज को दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है। वोल्टेज को दोनों डायरेक्शन में अगर ब्लॉक कर सकती है तो दिस इज ए बाइपोलर डिवाइस फॉर द वोल्टेज, ठीक है। और आपका जो करंट आपका फ्लो करता है एससीआर में वो दोनों टाइप के चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल की वजह से। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हमेशा करंट में ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एससीआर में दोनों टाइप के चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करता है, इसलिए आपका एससीआर कैसी डिवाइस है, बाइपोलर डिवाइस है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप अपने एससीआर से फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यों एससीआर फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक करता है, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग देखना चाहेंगे, अगर मुझे एससीआर को फॉरवर्ड में कंडक्शन कराना है तो मैं फॉरवर्ड में कैसे कंडक्शन करा सकता हूं। और तीसरा चीज हम लोग देखेंगे कि अगर मुझे एससीआर से रिवर्स में वोल्टेज को ब्लॉक कराना है तो आप अपने एससीआर से रिवर्स में वोल्टेज को कैसे ब्लॉक करा पाएंगे, ठीक है। मतलब जो है, अगर मैं एससीआर से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में वर्क कराना चाहता हूँ, फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसी सप्लाई लगानी पड़ेगी, कंट्रोल सिग्नल देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। अगर मुझे फॉरवर्ड में कंडक्शन कराना है तो एससीआर टर्न ऑन कैसे होता है, ठीक है, या फिर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में कैसे जाता है। और आपका तीसरा, अगर मैं अपने एससीआर से रिवर्स में वोल्टेज को ब्लॉक कराना चाहता हूं तो रिवर्स में वोल्टेज ब्लॉक कराने के लिए कौन कौन से जंक्शन या फिर कैसी सप्लाई आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी। कमलेश पूछ रहे हैं कि एससीआर आपकी करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है या फिर करंट कंट्रोल करंट सोर्स। अरे पगला गए हो क्या भैया, करंट की कंट्रोलिंग होती है और सप्लाई के तौर पे आपके पास जनरली वोल्टेज सोर्स अवेलेबल होता है, तो दिस इज ए करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स डिवाइस विल बी देयर, ठीक है, नॉट ए करंट सोर्स डिवाइस। करंट सोर्स इज नॉट ए प्रैक्टिकली अवेलेबल, वोल्टेज सोर्स से ही आपका जनरली आप करंट सोर्स बनाते हैं, ठीक है। तो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन विल बी करंट, कि एससीआर आपकी करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स डिवाइस विल बी देयर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग लिखने वाले हैं कि एससीआर की अब हम लोग करैक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, वीआई करैक्टरिस्टिक। मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि अगर किसी भी स्विच से आप फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक कराना चाहते हैं, फॉरवर्ड में जब वो वोल्टेज को ब्लॉक करेगा तो सारा वोल्टेज डिवाइस के क्रॉस अपीयर होगा। अगर वोल्टेज डिवाइस के क्रॉस अपीयर हो रहा है तो डिवाइस कैसे स्विच की तरह बिहेव करेगी, ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगी। अगर आपका जो है डिवाइस को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ऑपरेट करना है, फॉरवर्ड का मतलब एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड, ब्लॉकिंग कराना है तो कंट्रोल सिग्नल नहीं देना है, ठीक है। एससीआर में कंट्रोल टर्मिनल होता है, वी कैन नॉट प्रोवाइड द गेट सिग्नल। अगर आप अपने एससीआर को फॉरवर्ड बायस कर देंगे, कंट्रोल सिग्नल नहीं प्रोवाइड कर देंगे, तो एससीआर आपके फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक करने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में अगर किसी भी डिवाइस को लेके जाना है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड का मतलब है दैट इज नथिंग बट द एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड। फॉरवर्ड का मतलब होता है एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड, एनोड का पोटेंशियल कैथोड से ज्यादा होना चाहिए। कंडक्शन के लिए स्विच क्लोज होना चाहिए, स्विच क्लोज होने के लिए आपको कंट्रोल सिग्नल देना पड़ेगा, मतलब गेट सिग्नल दे देंगे। अगर आपकी डिवाइस फॉरवर्ड बायस है और आप उसको गेट सिग्नल दे देंगे तो एससीआर आपका क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा, फॉरवर्ड में करंट को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। और जब भी कोई भी डिवाइस कंडक्शन मोड में जाती है तो आपका जो है ह्यूज करंट पास करता है, वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर करती है, या फिर आइडियल डिवाइस है दैट इज शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगी। या फिर आप बोल सकते हैं अगर आपका जो है जो अप्लाइड वोल्टेज है वो लोड के क्रॉस जाएगा तो स्विच आपका कैसा होना चाहिए, क्लोज, क्योंकि स्विच क्लोज होगा तभी लोड के क्रॉस वोल्टेज दिखाई देगा। तो कंडक्शन मोड के समय कोई भी डिवाइस आपके शॉर्ट सर्किट बिहेव करती है, आइडियली डिवाइस, लेकिन कोई भी प्रैक्टिकल डिवाइस वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर करती है ड्यूरिंग द कंडक्शन मोड विल बी देयर, ठीक है। नेक्स्ट, रिवर्स वोल्टेज में अगर आप अपने रिवर्स वोल्टेज में रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज को ब्लॉक कराना चाहते हैं, रिवर्स का मतलब होता है एनोड इज मेड नेगेटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड, और ब्लॉकिंग करानी है, कंट्रोल सिग्नल नहीं देना, मतलब गेट टर्मिनल को आप क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे, गेट करंट यू कैन बी नॉट बी अप्लाइड। तो आपका जो एससीआर है वो रिवर्स में वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। करैक्टरिस्टिक कैसी बनेगी वो चीज मैं आपको बना के देखा हूं, और एक करैक्टरिस्टिक हम लोग काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक पॉइंट वी विल डिस्कस करैक्टरिस्टिक कैसे आ रही है, क्या हो रहा है, कौन कौन से पॉइंट होते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, 3 से 4 दिन के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एससीआर को समझने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे या फिर हेडिंग क्या है, पॉइंट लिखिए
कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपका एसटीआर होता है वो एक स्विच की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? स्विच की तरह। तो लिख रहा हूं, इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विजिबिलिटी ठीक है, वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताएं? ठीक है, ब्लर है सर, एक मिनट। मैं बड़ा लिख रहा हूं, इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एससीआर इज यूज्ड एज ए स्विच, एससीआर इज यूज्ड एज ए स्विच, आप बताइए विजिबिलिटी कैसी है? आप बताइए, यहां पर जो मैंने लिखा है एससीआर इज यूज्ड एज ए स्विच, आप क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर है। इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एसआर इज यूज एज ए स्विच एंड इट सपोर्ट्स एंड इट सपोर्ट्स एंड इट सपोर्ट्स हाँ यहीं से स्टार्ट हुई है। इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एसआर इज यूज एज ए स्विच एंड इट सपोर्ट्स ओनली थ्री मोड ऑफ ए स्विच। ये स्विच के तीन मोड को क्या करता है बेटा? सपोर्ट करता है। ठीक है, पहला जो मोड होता है आपका, दिस इज फर्स्ट मोड, दिस इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दैट इज कॉल्ड, शॉर्ट में उसको बोलते हैं FBM। दूसरा है दैट इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, दैट इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, और तीसरा बेटा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तीसरा है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तीन मोड को आपका सपोर्ट करता है। हाँ लिखिए, आज मैं आपको ये तीनों मोड आपको कैसे कैसे आपका जो है होता है वी विल डिस्कस, और वीआई करके डिस्कस करने वाले। ठीक है, अब तो ब्लर नहीं है मेरे ख्याल से, अब तो सही होगा, अब तो ब्लर नहीं है, अब आपको वीडियो सही दिख रहा है। क्या अब ब्लर है सर? फिर से मुझे पहले जैसे ही है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एससीआर से मैं फॉरवर्ड में वोल्टेज को क्या कराना चाहता हूं, ब्लॉक कराना चाहता हूं। अगर आप एससीआर से फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ये चीज ठीक
ठीक है, कल से मैं अलग कमरे में पढ़ाऊंगा। शाम को उसमें पढ़ा रहा था, आवाज थोड़ी सी गूंज रही थी क्योंकि कमरा खाली था, लेकिन वहां पर कनेक्टिविटी अच्छी थी। कनेक्टिविटी यहाँ भी अच्छी है, पता नहीं क्यों हो रहा। चलो मैं शाम को यहीं से पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, अगर आप अपने एसटीआर से फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा ये हम लोग देखना चाहते हैं। तो पहली हेडिंग डाल देंगे, दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। मैं अपने एसटीआर से फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक कराने जा रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में मैं अपने एसटीआर को क्या करना चाहता हूं बेटा, ऑपरेट कराना चाहता हूं। दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में मैं अपने एसटीआर को ऑपरेट कराना चाहता हूं। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में मैं अपने एसटीआर को ऑपरेट कराना चाहता हूं। ठीक है, नाउ देखो वर्ड क्लियर है। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, एनोड इज मेड पॉजिटिव स्पेक्ट टू कैथोड, मतलब एनोड का पोटेंशियल कैथोड से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एनोड का पोटेंशियल कैथोड से ज्यादा होना चाहिए, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आप एनोड से कनेक्ट कर देंगे और निगेटिव टर्मिनल कैथोड से। ब्लॉकिंग का मतलब होता है कंट्रोल सिग्नल नहीं देना, मतलब गेट टर्मिनल पर आप क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। तो अगर मैं एनोड इज मेड पॉजिटिव स्पेक्ट टू कैथोड करूं और कंट्रोल सिग्नल नहीं दूंगा, तो जो आपका एससीआर है वो फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक करने लगेगा। और क्या रीजन है कि आपका एससीआर फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक करता है, और मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम कितना वोल्टेज फॉरवर्ड में ब्लॉक कर सकता है, 800 वोल्ट तक के वोल्टेज को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में 800 वोल्ट तक के वोल्टेज को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। तो अगर आपका फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज 800 वोल्टेज से कम है, तो ये आसानी से उस वोल्टेज को क्या कर लेगा, ब्लॉक कर देगा। लेकिन अगर आपका फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज आपका 800 से ज्यादा होगा, तभी आपका फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से कंडक्शन मोड में भी जा सकता है। तो उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ में वीआई कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रॉ करता जाऊंगा। ठीक है, दिस इज एससीआर। एससीआर इज ए फोर लेयर, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉरवर्ड में मैं वोल्टेज को ब्लॉक कराना चाहता हूं। एससीआर इज ए फोर लेयर, थ्री टर्मिनल एंड थ्री जंक्शन डिवाइस। नाउ दिस इज ए एससीआर, दिस इज ए फोर लेयर, दिस इज ए फोर लेयर, दिस इज पी प्लस एन माइनस पी एंड दिस इज एन प्लस। ठीक है, नाउ दिस इज फोर लेयर, थ्री टर्मिनल, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड एंड दिस इज गेट। गेट हमेशा थर्ड लेयर से कनेक्ट होगा, याद रखिएगा। कई सारी बुक में, फिर कई सारे टीचर सेकंड लेयर से बताते, गलत है। ठीक है, दैट इज थ्री जंक्शन, थ्री जंक्शन। एक पीएन जंक्शन ये है, एक पीएन जंक्शन ये है, एक पीएन जंक्शन ये है। नाउ दिस इज नथिंग बट द जंक्शन जे वन, दिस इज जे टू एंड दिस इज जे थ्री। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने एससीआर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ऑपरेट करना चाहता हूँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वोल्टेज को ब्लॉक करना चाहता हूँ। फॉरवर्ड का मतलब है एनोड इज मेड पॉजिटिव स्पेक्ट टू कैथोड, या फिर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्ट करेंगे और निगेटिव टर्मिनल कैथोड से कनेक्ट करेंगे। और ये आपके एनोड और कैथोड आपके मेन टर्मिनल होते हैं, मतलब आपका इन दोनों टर्मिनल के बीच में लोड भी लगा होगा, सोर्स भी लगा होगा। ठीक है, तो नाउ मैं आपको दोनों चीज बना के दिखा रहा हूं। नाउ दिस इज नथिंग बट द लोड, दिखा देता हूं, रजिस्टिव लोड, दिस इज आर एल। रजिस्टिव लोड मीन्स वो ऐसा लोड जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, तो आप हीटर भी मान सकते हैं, बल्ब भी मान सकते हैं, लाइक समथिंग विल बी देयर, दैट इज रजिस्टिव लोड। नाउ दिस इज फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करना है। नाउ दिस इज फॉरवर्ड, सोर्स वोल्टेज बोल सकते हैं या फिर सप्लाई वोल्टेज बोल सकते हैं, दैट इज वीएस बोलिए, या फिर दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड वोल्टेज। VS, VS means forward. Forward का तो एनोड एक बैटरी का पॉजिटिव एनोड से कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से कनेक्ट है, या फिर दिस इज द सोर्स वोल्टेज। ठीक है, नाउ प्लस इज कनेक्टेड टू एनोड, माइनस इज कनेक्टेड टू कैथोड। ठीक है, दैट इज फॉरवर्ड, प्लस इज कनेक्टेड टू एनोड एंड दैट इज माइनस इज कनेक्टेड टू कैथोड। ये आपका फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज द लोड रजिस्टर आर एल, दिस इज लोड, फॉरवर्ड हो गया। अब ब्लॉकिंग कराना है, ब्लॉकिंग के लिए आपको कंट्रोल सिग्नल नहीं देना, मतलब गेट टर्मिनल
दैट इज कंट्रोल सिग्नल नहीं देना, गेट करंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो गेट टर्मिनल को ओपन रखेंगे, ठीक है, गेट टर्मिनल से कोई भी हम लोग जो है सप्लाई नहीं देने वाले हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट द गेट स्विच को मैंने ओपन रखा है, दिस इज गेट, दिस इज द गेट सप्लाई, दिस इज प्लस माइनस वीजीजी, ठीक है। गेट का पोटेंशियल कैथोड से हमेशा ज्यादा रखते हैं, इसलिए हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में सप्लाई करें, लेकिन ओपन सर्किट है, स्विच विल बी ओपन, गेट स्विच विल बी ओपन। इस स्विच को मैंने ओपन रखा है, अगर गेट स्विच ओपन होगा तो व्हाट इज द गेट करंट यू कैन बी अप्लाइड, गेट करंट बिकम्स इक्वल टू जीरो, गेट करंट बिकम्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। नाउ दिस इज द अरेंजमेंट फॉर द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का मैंने आपको अरेंजमेंट दिखाया है। तो अगर आप अपने SCR को फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक कराना चाहे तो एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड होगा, और कंट्रोल सिग्नल या फिर गेट टर्मिनल को आपको ओपन रखना है तो SCR आपका फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक करने लगेगा, ठीक है। चलो अब आप देखेंगे, जैसे आप जो है अपने SCR में एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड करेंगे, जैसे एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड करेंगे तो J1 जंक्शन कैसा होगा, J2 जंक्शन कैसा होगा, J3 जंक्शन, कौन कौन से जंक्शन फॉरवर्ड बायस होंगे, कौन कौन से जंक्शन रिवर्स बायस होंगे, ये मुझे बताइए। जैसे ही आप अपने SCR में एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड करेंगे, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से कनेक्ट करेंगे, कौन कौन सा जंक्शन आपका फॉरवर्ड, J1 जंक्शन कैसा होगा, J2 जंक्शन कैसा होगा और J3 जंक्शन कैसा होगा, कौन कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा, कौन अच्छा ये बताओ। जैसे मान लो यहां पर मैंने 400 वोल्ट अप्लाई किया, हेलो चार फॉरवर्ड वोल्टेज के तौर पे 400 वोल्ट अप्लाई किया है, तो अगर इसको मैं ग्राउंड मान लूं तो कैथोड का पोटेंशियल कितना होगा, 400 वोल्ट। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते जाएंगे एनोड से कैथोड की तरफ, आपका वोल्टेज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहां पर 400 है, यहां पर 250, तो यहां पर 350, यहां पर 300, फिर उसके बाद जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे 250, 150, 100, 50 और फिर कितना हो जाएगा जीरो। जैसे जैसे बेटा मैं आपका एनोड से कैथोड की तरफ आता जाऊंगा तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आपको मुझे बताना है कि जैसे एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड किया जाता है, SCR थ्री जंक्शन डिवाइस है, कौन कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और कौन कौन सा जंक्शन रिवर्स बायस। तो आपने बोला, अदिति बोल रही है कि J1 और J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे और J2 जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बोला है। मैं इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। Now, डायोड में आप समझ सकते हैं, डायोड नाउ यहाँ पर थ्री डायोड विल बी देयर, दिस इज जंक्शन J1, आपके इस पीएन जंक्शन डायोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जंक्शन J2 इस पीएन जंक्शन डायोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जंक्शन J3 इस पीएन जंक्शन डायोड को, तीन पीएन जंक्शन डायोड आप मान सकते हैं, ठीक है। नाउ देखो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, नाउ दिस इज ए पीएन जंक्शन डायोड, दिस इज पी एंड दिस इज एन, this is anode and this is cathode, this is anode and this is cathode, forward bias का मतलब होता है anode is made positive respect to cathode, anode is made positive respect to cathode, ठीक है। तो आप देखेंगे anode is made positive respect to cathode, मान लो कुछ 10 volt मैंने apply किया तो एनोड का पोटेंशियल कैथोड से ज्यादा है, ठीक है, अगर ये 10 वोल्ट है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 10, इस पॉइंट का पोटेंशियल, जैसे ऊपर नीचे से आएंगे आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप देखेंगे अगर आपका पी जो है, आप ध्यान से देखेंगे फॉरवर्ड बायस का मतलब आपका जो है जो पी है, पी से एनोड निकलता है और एन से कैथोड निकलता है, पी आपका एनोड से कनेक्ट, मतलब पी आपका हायर पोटेंशियल पे है और दैट इज एन आपका कैथोड, दैट इज एन आपका लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट है। तो अगर पी लेयर का पोटेंशियल एन लेयर के पोटेंशियल से ज्यादा है तो डायोड कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, दिस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है, जंक्शन फॉरवर्ड। अगर पी का पोटेंशियल एन के पोटेंशियल से क्या है ज्यादा, या फिर पी इज कनेक्टेड टू प्लस माइनस इज कनेक्टेड टू एन, ठीक है। अगर आपका पी
आपके प्लस से कनेक्ट है और बेटा एन आपका नेगेटिव से कनेक्ट है तो फॉरवर्ड बस, या फिर अगर दैट इज पी आपका प्लस से कनेक्ट होने का मतलब पी का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और बेटा माइनस अगर एन से कनेक्ट है तो एन का पोटेंशियल कम, अगर पी का पोटेंशियल एन के पोटेंशियल से ज्यादा है तो जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। रिवर्स बायस के लिए क्या होगा, रिवर्स बायस कब कहलाएगा, नाउ दिस इज ए पीएन जंक्शन, नाउ दिस इज ए पीएन जंक्शन, now this is a PN junction, this is anode cathode, now reverse voltage, reverse का मतलब होता है anode is made negative spec to cathode, मतलब anode battery के negative terminal से connect होगा और बेटा cathode आपका positive, this is plus and this is minus, तो आप देखेंगे That is P आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है ना आपका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो दैट इज नथिंग बट द ये जो जंक्शन है, दिस जंक्शन इज नथिंग बट द रिवर्स बायस, ठीक है। तो आप इसको कैसे पहचानेंगे, अगर आपका P का पोटेंशियल आपका कम है और N का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, तो वो जंक्शन कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। इफ N इज कनेक्टेड टू प्लस एंड P इज कनेक्टेड टू माइनस, अगर आपका N जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और बेटा P आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो दैट इज नथिंग बट द वो पीएन जंक्शन कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि अगर P का पोटेंशियल N के पोटेंशियल से ज्यादा है, फिर P इज कनेक्टेड टू प्लस, माइनस इज कनेक्टेड टू N, दैट इज ए फॉरवर्ड बायस। इफ P इज, अगर P का पोटेंशियल N के पोटेंशियल से क्या है, कम है, P का पोटेंशियल N के पोटेंशियल से कम है, तो आप बोल सकते हैं अगर आपका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल P से कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल आपका N से कनेक्ट है, दैट जंक्शन इज द रिवर्स बायस, ठीक है। यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, जब भी आप अपने SCR को फॉरवर्ड बायस करेंगे, तो जो थ्री जंक्शन डिवाइस है, SCR को जब भी फॉरवर्ड बायस करेंगे तो J1, J2 और J3 जंक्शन में कुछ जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, कुछ जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर देख सकते हैं, नाउ यहां पर आप देखिए दैट इज प्लस इज कनेक्टेड टू P, ठीक है, एंड माइनस इज कनेक्टेड टू N, ठीक है। इस पीएन जंक्शन J1 जंक्शन के बारे में देख सकते हैं, प्लस इज कनेक्टेड टू पी एंड माइनस इज कनेक्टेड टू एन, या फिर आप देखेंगे यहां से ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो वोल्टेज आपका कम होता जाएगा, पी का वोल्टेज, पी का पोटेंशियल एन के पोटेंशियल से क्या होगा, ज्यादा होगा। इफ पी इज हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू एन, अगर पी का पोटेंशियल ज्यादा है तो इसको प्लस से दिखा सकते हैं, एन का पोटेंशियल करो इसको माइनस, तो दैट इज पी इन मेज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एन, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर आपका जो है P बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और बेटा N बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो J1 जंक्शन कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। नाउ J2 जंक्शन, हेलो, आप बोल सकते हैं N इज कनेक्टेड टू प्लस एंड P इज कनेक्टेड टू माइनस, हेलो, N इज कनेक्टेड टू प्लस एंड P इज कनेक्टेड टू माइनस, या फिर आप बोल सकते हैं यहां का पोटेंशियल ज्यादा है, फिर यहां का पोटेंशियल ज्यादा है, फिर यहां का पोटेंशियल, तो आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं आपका पोटेंशियल कम होता जाए, तो N का पोटेंशियल P के पोटेंशियल से क्या है, ज्यादा है, अगर N का पोटेंशियल P के पोटेंशियल ज्यादा है तो J2 जंक्शन कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, दिस इज द रिवर्स बायस, ठीक है। और बेटा अगर मैं J3 जंक्शन के बारे में बात करूंगा, दैट इज यहां पर आप देखेंगे P इज कनेक्टेड टू प्लस एंड N इज कनेक्टेड टू माइनस, या फिर आप देखेंगे ऊपर से नीचे इस लेयर का पोटेंशियल ज्यादा होगा, इस लेयर का पोटेंशियल कम होगा, P इज एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू N, या फिर प्लस इज कनेक्टेड टू P एंड माइनस इज कनेक्टेड टू N, तो आपका J3 जंक्शन कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे आप SCR को फॉरवर्ड बायस करेंगे, प्लस इज कनेक्टेड टू एनोड, माइनस इज कनेक्टेड टू कैथोड, J1 एंड J3 जंक्शन कैसे हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, और J2 जंक्शन कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस। J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस मतलब ये आपका शॉर्ट सर्किट का बिहेव करेगा J1 जंक्शन, J3 जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस है, ये भी शॉर्ट सर्किट का बिहेव करेगा, और J2 जंक्शन रिवर्स बायस है। जब भी कोई जंक्शन रिवर्स बायस होता है, उस जंक्शन के क्रॉस क्या हो जाएगी, डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाएगी, क्या क्रिएट हो जाएगी, डिप्लीशन लेयर विल बी क्रिएटेड। तो जैसे ही आप अपने SCR को फॉरवर्ड बायस करेंगे, J1 एंड J3 जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस एंड J2 जंक्शन विल बी रिवर्स बायस। J2 जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा, तो J2 जंक्शन के क्रॉस डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाएगी। जरा ध्यान से देखिए, नाउ
यहां पर ये क्या है एन माइनस लेयर, इस लेयर पे डोपिंग कम है, इस लेयर पे डोपिंग ज्यादा है, यहां पर मॉडरेट डोपिंग है, यहां पर लाइटली डोपिंग। जहां पर डोपिंग आपकी ज्यादा होती है वहां पर विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर कम होती है, इस कम विड्थ में ज्यादा चार्ज कैरियर आएगा। सेम चार्ज आपको दूसरी साइड डिप्लीशन लेयर में क्रिएट करने के लिए आपको ज्यादा डिस्टेंस में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द, यहां पर पी पे आपका J2 जंक्शन रिवर्स वर्स, यहां पर डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाएगी, डिप्लीशन लेयर विल बी क्रिएटेड, ठीक है। जिसकी वजह से आप देखेंगे क्योंकि इस साइड पे आपका डोपिंग क्या है ज्यादा, डोपिंग ज्यादा है तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या होगी कम होगी, ठीक है। इस कम विड्थ में ज्यादा चार्ज कैरियर होगा, सेम चार्ज दूसरी साइड क्रिएट करने के लिए आपको एन माइनस लेयर में ज्यादा डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द डिप्लीशन लेयर, और आप देखेंगे जो डिप्लीशन J2 जंक्शन रिवर्स बायस है जिसकी वजह से J2 जंक्शन के क्रॉस डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाएगा। अब ये तीनों के तीनों जंक्शन आपके सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में आपका क्या होता है, सीरीज में आपके कौन से चार्ज, सीरीज में हमेशा सेम चार्ज क्या करता है पास करता है, ठीक है। तो इस चीज को मैं फिगर से दिखाने की कोशिश करता हूं, डायोड सर्किट से दिखाने की कोशिश करता हूं। J1 एंड J3 जंक्शन आपके फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे और J2 जंक्शन कैसा हो जाएगा रिवर्स बायस, J2 जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा जिसकी वजह से इसके क्रॉस एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट। अगर आइडियली बात करूं तो J1 J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करेंगे और J2 जंक्शन आपका जो है रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस है तो आइडियली ओपन सर्किट तक क्या करेगा बिहेव करेगा। ओपन सर्किट तक बिहेव करेगा तो क्या सर्किट कंप्लीट होगा, क्या सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो क्या कोई करंट फ्लो कर पाएगा, क्या आइडियली कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आप देखेंगे लोड के क्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं, सारा का सारा वोल्टेज किसके क्रॉस आएगा डिवाइस के क्रॉस। अगर डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज आ रहा है तो डिवाइस कैसे स्विच की तरह बिहेव करेगी, ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगी। और ये सारा का सारा फॉरवर्ड वोल्टेज डिवाइस के क्रॉस आ रहा है तो डिवाइस इस फॉरवर्ड वोल्टेज को क्या करेगी ब्लॉक करेगी, ठीक है। मैं दिखा रहा हूं, नाउ दिस इज नथिंग बट द आपका फिगर, ठीक है। तो आप देखेंगे नाउ दिस इज एसआर J1 जंक्शन कैसा फॉरवर्ड बायस, ध्यान सुनिएगा बेटा, दिस इज एनोड, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। नाउ दिस इज द लोड, दिस इज लोड विल बी देयर, दिस इज लोड एंड दिस इज द फॉरवर्ड वोल्टेज आई कैन बी अप्लाई, दिस इज फॉरवर्ड वोल्टेज या फिर आप बोल सकते हैं सप्लाई वोल्टेज मैंने कनेक्ट किया। नाउ दिस इज द लोड, दिस इज लोड, ठीक है। नाउ दिस इज द लोड, नाउ दिस इज J1 जंक्शन, दिस इज J2 जंक्शन एंड दिस इज द J3 जंक्शन। दिस इज J1 जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस है, J2 जंक्शन आपका रिवर्स बायस है और देसी जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस है। इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस इट इज बिहेविंग लाइक ए शॉर्ट सर्किट, J1 एंड J3 जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस तो इट इज बिहेविंग लाइक ए शॉर्ट सर्किट, इट इज बिहेविंग लाइक ए शॉर्ट सर्किट एंड J2 जंक्शन इज रिवर्स बायस इट इज बिहेविंग लाइक ए ओपन सर्किट। दिस इज द कंडीशन, ठीक है, दिस इज द कंडीशन। और अगर J2 जंक्शन आपका रिवर्स बायस है तो इट इज बिहेविंग लाइक ओपन सर्किट, ओपन सर्किट है तो क्या बेटा सर्किट कंप्लीट है, क्या क्या आपका सर्किट कंप्लीट है, क्या सर्किट कंप्लीट नहीं है तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा, क्या कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो क्या लोड के क्रॉस कोई वोल्टेज आएगा, लोड के क्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं है, सारा का सारा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो किसके क्रॉस दिखेगा डिवाइस के क्रॉस दिखेगा, डिवाइस के क्रॉस दिखेगा। अगर वोल्टेज डिवाइस के क्रॉस दिखेगा तो डिवाइस क्या कैसे बिहेव करे, ओपन सर्किट का बिहेव करे, इट इज बिहेविंग लाइक ए ओपन स्विच, इट इज बिहेविंग लाइक ए ओपन स्विच। जितना भी आप फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो सारा का सारा डिवाइस के क्रॉस होगा, ऑल द फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज इज अपीयर अक्रॉस द डिवाइस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, सारा का सारा फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज किसके क्रॉस दिखेगा डिवाइस के क्रॉस या फिर हेलो डिवाइस के क्रॉस बोलिए या फिर किस जंक्शन के क्रॉस दिखेगा, हेलो किस जंक्शन, ये तो शॉर्ट सर्किट है, सारा का सारा अप्लाइड वोल्टेज आप बोल सकते हैं डिवाइस के क्रॉस दिखेगा या फिर किस जंक्शन के क्रॉस दिखेगा J2 जंक्शन के क्रॉस दिखेगा, किस जंक्शन के क्रॉस दिखेगा J2 जंक्शन के क्रॉस दिखेगा, सारा का सारा अप्लाइड वोल्टेज
या फिर फॉरवर्ड वोल्टेज किस जंक्शन डिवाइस के क्रॉस बोलिए, या फिर अगर जंक्शन पूछे तो किस जंक्शन के क्रॉस, J2 जंक्शन। और बेटा ये जो फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज है वो J2 जंक्शन के क्रॉस दिख रहा है, लेकिन J2 जंक्शन के क्रॉस कैसे बिहेव कर रहा है, रिवर्स बायस वोल्टेज। J2 जंक्शन को ये फॉरवर्ड, जो भी आप अपनी डिवाइस के क्रॉस ये फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करें वो J2 जंक्शन को रिवर्स बायस कर रहा है, तो J2 जंक्शन के लिए ये एज ए रिवर्स बायस वोल्टेज की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। ठीक है, दिस विल बी अ J2 जंक्शन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब भी आप अपनी डिवाइस को क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस करेंगे। एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड, J1 एंड J3 जंक्शन आर द फॉरवर्ड बायस एंड J2 जंक्शन विल बी रिवर्स बायस। J2 जंक्शन रिवर्स बायस होगा जिसकी वजह से इट इज बिहेविंग लाइक ए ओपन सर्किट विल बी देयर। अगर ये ओपन सर्किट बिहेव करेगा तो सारा का सारा जो फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज है वो डिवाइस के क्रॉस अपीयर होगा, और अगर फॉरवर्ड वोल्टेज डिवाइस के क्रॉस अपीयर हो रहा है तो डिवाइस के क्रॉस अगर वोल्टेज तो डिवाइस फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, या फिर किस जंक्शन के क्रॉस दिखेगा, J2 जंक्शन के क्रॉस दिखेगा। डिवाइस के क्रॉस बोलिए या फिर J2 जंक्शन, और J2 जंक्शन के क्रॉस ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये रिवर्स बायस वोल्टेज की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब ये बताओ अगर मैं इस फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाऊं, ध्यान से देखो तो दिस विल बी, तो आप ये बताओ SCR जो है फॉरवर्ड में वोल्टेज को क्यों ब्लॉक करता है, क्योंकि SCR जैसे आप एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड करेंगे, J1 एंड J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस और J2 जंक्शन रिवर्स बायस है, ये J2 जंक्शन ही रिवर्स, ये J2 जंक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है किस वोल्टेज की ब्लॉकिंग के लिए, फॉरवर्ड वोल्टेज, क्योंकि J2 जंक्शन ओपन सर्किट है जिसकी वजह से सर्किट आपका कंप्लीट नहीं होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, लोड के क्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं जाएगा, सारा सारा वोल्टेज डिवाइस के क्रॉस जाएगा, अगर डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज आ रहा है तो डिवाइस ओपन सर्किट बिहेव कर रही है एंड दैट इज आपके इस फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करेगी। तब तक ये फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करेगी, हेलो, जब तक आपके जो फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज है वो J2 जंक्शन के क्रॉस एज ए रिवर्स बायस वोल्टेज से बिहेव कर। जैसे जैसे मैं इस फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा, आपका जो है अगर फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज J2 जंक्शन के क्रॉस है ये रिवर्स बायस वोल्टेज, अगर मैं फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि ये फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज J2 जंक्शन को रिवर्स बायस कर रहा है। अगर मैं इस फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा तो J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब मैं इस फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते J2 जंक्शन के ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर रख दूंगा, तब आपका जो है ये J2 जंक्शन उस वोल्टेज, J2 जंक्शन आप देखेंगे कोई भी जंक्शन कितना वोल्टेज ब्लॉक कर सकता है, अपने रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से के बराबर वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है। तो जैसे जैसे आप इस फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जब आपका ये फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज J2 जंक्शन के ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, J2 जंक्शन के क्रॉस क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसके बाद ये वोल्टेज को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट अगर आपका फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज J2 जंक्शन के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या है, कम है। जैसे मान लो कोई किसी भी जो है डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज 50 वोल्ट है, आप 25 वोल्ट अप्लाई करेंगे, अगर आपका अप्लाइड वोल्टेज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है तो वो जंक्शन उस वोल्टेज को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, आप जो है फिर से आप लॉग आउट करके लॉग इन करिए। ठीक है, पहले इस फिगर को बना लीजिए, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस फिगर को बना लीजिए आप लोग, डन हो तो मुझे बता दीजिए, इस फिगर को आप लोग बना लीजिए, बना लिया, इस फिगर को बना लीजिए, टाइम से आप लोग आए, मैं बार बार ऊपर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इस फिगर को बना लिया, बना लिया तो मैं नेक्स्ट फिगर की तरफ चलूं। इस फिगर को आपने बना लिया है, बना रहे हैं, जल्दी बनाएं, मुझे इंटीमेट कर दें जैसे ही ये फिगर बन जाए मुझे बता दें। डन, चलो चलिए ये वाला फिगर बनाए, इसके बाद दिस फिगर यू कैन बी मेक, इस फिगर को आप लोग बनाए, हो गया। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए जो J2 जंक्शन होता है, हेलो J2 जंक्शन
इसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है ये मैं पहले आपको बताना चाहूंगा, ठीक है? आप जरा ध्यान सुनिएगा, ये जो आपके पास J2 जंक्शन है इसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है जरा देखिए। पीएन जंक्शन, हेलो पीएन जंक्शन में मॉडरेट डोपिंग होती थी ना, हेलो मॉडरेट डोपिंग होती थी, जिसकी वजह से दोनों साइड आपके विस्तार में डिप्लीशन लेयर का थी बराबर, कितना वोल्टेज ब्लॉक कर सकता था, केवल 50 वोल्ट तक का वोल्टेज ब्लॉक कर सकता था। J2 जंक्शन को देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, J2 जंक्शन में आपको दिखाना चाहूंगा इसके रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग एबिलिटी कितनी होती, कितना वोल्टेज ब्लॉक कर सकता है रिवर्स बायस। यहां पर देखिए डोपिंग सेम है, ये पी है, ये भी पी है, ये एन है और यहां पर एन माइनस है, यहां पर डोपिंग कम है, ठीक है? डोपिंग इस साइड अगर कम होगी तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ध्यान से देखिए, जो J2 जंक्शन होता है आपका, जो पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन केवल 50 वोल्ट तक के वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है। डोपिंग बिल्कुल सेम है, यहां पर डोपिंग ज्यादा और यहां पर डोपिंग कम है, यहां पर डोपिंग कम है, यहां पर डोपिंग ज्यादा, डोपिंग ज्यादा होगी तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर कम होगी, केवल 50 तक के वोल्टेज। लेकिन आप देखेंगे J2 जंक्शन में यहां पर तो बेटा डोपिंग ज्यादा है, लेकिन यहां पर डोपिंग बहुत कम है, जिसकी वजह से विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसकी वजह से J2 जंक्शन का जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो 800 वोल्ट होता है। जब तक मैं 800 वोल्टेज यहां नहीं अप्लाई करूंगा, जब तक मैं J2 जंक्शन के क्रॉस 800 वोल्टेज तक का वोल्टेज नहीं अप्लाई करूंगा रिवर्स बायस वोल्टेज, तब तक यहां पर ये क्या करेगा, इसके क्रॉस ब्रेकडाउन नहीं होगा। अगर आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है, अगर J2 जंक्शन के क्रॉस जो आप रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो उसके रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है, तो ये जंक्शन उस वोल्टेज को ब्लॉक कर देगा, मतलब उसके लिए हमेशा ओपन सर्किट तक क्या करेगा, बिहेव करेगा। J2 जंक्शन में ये P है और ये N माइनस है, दैट इज N माइनस ड्रिफ्ट रीजन। तो यहां पर बेटा आपका जो है क्या होगा कि यहां पर डोपिंग ज्यादा है तो कम विस्तार में ज्यादा चार्ज आएगा, इस सेम चार्ज को दूसरी साइड क्रिएट करने के लिए एन माइनस लेयर में बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, तो इसकी विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी। तो J2 जंक्शन हाई वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि यहां पर जो डिप्लीशन लेयर बनेगी J2 जंक्शन के क्रॉस दैट इज ए हाई बनेगी ड्यू टू द ड्रिफ्ट रीजन, जिसकी वजह से J2 जंक्शन आपका कितना रिवर्स बायस वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है 800, या फिर आप बोल सकते हैं J2 जंक्शन का रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज 800 वोल्ट तक का होता है। तो अगर आपका अप्लाइड वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज 800 वोल्टेज से कम है तो ये उस वोल्टेज को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, मतलब ओपन सर्किट। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है? कितना वोल्टेज अप्लाई किया, फॉरवर्ड वोल्टेज, ये फॉरवर्ड वोल्टेज मैंने 100 वोल्ट अप्लाई किया, कितना वोल्टेज 100 वोल्ट, 100 वोल्ट अप्लाई करते ही एनोड इज मेड पॉजिटिव स्पेक टू कैथोड होगा, आपका जो है J1 एंड J3 जंक्शन आपके फॉरवर्ड बायस होंगे, J2 जंक्शन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस की वजह से J2 जंक्शन के क्रॉस एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाएगी, और आप देखेंगे या फिर आप बोलेंगे ओपन सर्किट बिहेव करेगा, और आपका ये जो पूरा पूरा अप्लाइड वोल्टेज डिवाइस के क्रॉस जाएगा या फिर J2 जंक्शन के क्रॉस, ये फॉरवर्ड वोल्टेज डिवाइस के क्रॉस ये फॉरवर्ड वोल्टेज है वो J2 जंक्शन के लिए एज ए रिवर्स बायस वोल्टेज की तरह बिहेव कर रहा है, दैट इज कितना वोल्ट अप्लाई किया, डिवाइस के क्रॉस 100 वोल्ट आएगा, या फिर ये पूरा का पूरा जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो J2 जंक्शन के क्रॉस आएगा, 100 वोल्ट आ रहा है और ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो J2 जंक्शन को रिवर्स बायस कर रहा है, तो J2 जंक्शन के रिवर्स, ये आपका जो J2 जंक्शन के क्रॉस आपका जो वोल्टेज है फॉरवर्ड वोल्टेज J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड वोल्टेज J2 जंक्शन को रिवर्स बायस कर रहा है, कितना रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, 100 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कितना ब्लॉक कर सकता है, 800 ब्लॉक कर सकता है। अप्लाइड वोल्टेज आपके J2 जंक्शन के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है तो J2 जंक्शन इस वोल्टेज को ब्लॉक कर देगा, फिर से इसको बढ़ा के 200 किया, 200 करेंगे फिर से फॉरवर्ड बायस होगा, J1 J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो J2 जंक्शन रिवर्स बायस, अगर J2 जंक्शन भी रिवर्स बायस है डिप्लीशन लेयर आएगी, ओपन सर्किट, सारा वोल्टेज डिवाइस के क्रॉस या फिर किस जंक्शन के क्रॉस, दैट इज J2 जंक्शन, J2 जंक्शन के क्रॉस डिवाइस के जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज, कितना रिवर्स बायस वोल्टेज की तरह आपका बिहेव करेगा, 200 वोल्ट, कितना ब्लॉक कर सकता है, आसानी से ब्लॉक कर देगा। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे मैं इस फॉरवर्ड वोल्टेज को क्या करता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, J2 जंक्शन के क्रॉस ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाने से J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर आपकी बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे, और बॉन्ड अगर ब्रेक होते जाएंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो कौन सा करंट फ्लो करेगा, लीकेज करंट, डायरेक्शन दिखा रहा हूं, ठीक है? लीकेज करंट, ध्यान से देखे, जैसे जंक्शन को रिवर्स बायस होता है लीकेज करंट, हेलो
अगर जंक्शन रिवर्स बायस है तो लीकेज करंट रिवर्स डैश में फ्लो करता है एंड से पी की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ, दैट इज डायरेक्शन ऑफ लीकेज करंट इज फ्रॉम एन टू पी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीकेज करंट या फिर रिवर्स करंट। ठीक है, अगर कोई जंक्शन रिवर्स बायस होता है तो रिवर्स डायरेक्शन में वेरी वेरी स्मॉल चार्ज कैरियर जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जब भी कोई जंक्शन रिवर्स बायस होगा तो उसे माइनॉरिटी चार्ज पास करेंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से वेरी वेरी स्मॉल करंट फ्लो करता है एंड से पी की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीकेज करंट। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि तीनों के तीनों डायोड किसमें कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में आपका चार्ज हमेशा, सीरीज में क्या चीज है, करंट, करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज। तो आप देखेंगे जब भी आपके एलिमेंट सीरीज में लगे होते हैं तो उनसे सेम करंट पास करता है, सेम करंट का मतलब है सेम चार्ज क्या करेगा, पास करेगा। तो जितना चार्ज आपका J2 जंक्शन से पास करेगा उतना ही चार्ज आपका J1 जंक्शन से पास करेगा, उतना ही चार्ज आपका J3 जंक्शन से पास करेगा। ठीक है, क्योंकि J2 जंक्शन कैसा है, रिवर्स बायस है, तो J2 जंक्शन से वेरी वेरी स्मॉल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे। तो आपका देखेंगे जितने चार्ज आपका J2 जंक्शन से पास करेंगे, ठीक है, उतने ही चार्ज आपके J3 जंक्शन से पास करेंगे, उतने ही चार्ज आपके J1 जंक्शन से पास करेंगे। ठीक है, तो आप देखें चूंकि इस जंक्शन से वेरी वेरी स्मॉल चार्ज कैरियर पास करेगा तो आपका J1 और J3 जंक्शन से भी वेरी वेरी स्मॉल चार्ज कैरियर पास करेगा। तो ओवरऑल डिवाइस से वेरी वेरी स्मॉल चार्ज कैरियर पास करेगा, तो स्मॉल चार्ज की वजह से स्मॉल करंट आएगा, स्मॉल करंट की वजह से आपकी डिवाइस वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस क्या करेगी, ऑफर करेगी, वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस की वजह से आपका डिवाइस वेरी वेरी स्मॉल करंट क्या करेगा, पास करेगा, जिसको हम लीकेज करंट बोलते हैं। डायरेक्शन में दिखा रहा हूं, क्योंकि J2 जंक्शन कैसा है, रिवर्स बायस है, J2 जंक्शन रिवर्स बायस है, तो J2 जंक्शन से क्या करेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे, जिसकी वजह से आपका करंट किस डायरेक्शन फ्लो करेगा, J2 जंक्शन से N से P की तरफ क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो करंट है वो क्या होगा, N से P, J2 जंक्शन से N से P की तरफ। अच्छा ये बताओ, N से P की तरफ वेरी वेरी स्मॉल डिवाइस के लिए कैसा कंडक्शन है, हेलो, ये आपका J2 जंक्शन से रिवर्स डायरेक्शन में पास कर रहा है, लेकिन डिवाइस के लिए कैसा है बेटा, कैथोड से एनोड की तरफ कंडक्शन है। ध्यान से देखें, हेलो, जितना करंट, जितना चार्ज J2 जंक्शन से उतना ही चार्ज J1 जंक्शन से, उतना ही चार्ज J3, मतलब जितना करंट J2 जंक्शन से पास करेगा उतना ही करंट आपका J3 जंक्शन से, उतना करंट J1, तो ओवरऑल आपकी डिवाइस से सेम करंट पास करेगा, स्मॉल करंट पास करेगा, और स्मॉल करंट की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज N से P, लेकिन आपकी डिवाइस के लिए, J2 जंक्शन के लिए तो रिवर्स कंडक्शन, लेकिन डिवाइस के लिए कैसा कंडक्शन है, फॉरवर्ड कंडक्शन है, दैट इज एनोड से कैथोड इज द कॉल्ड फॉरवर्ड कंडक्शन। लेकिन ये करंट क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आ रहा है, इस करंट को बोलेंगे लीकेज करंट, या फिर आप बोलेंगे आपका J2 जंक्शन रिवर्स बायस है, जिसकी वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे, जिसकी वजह से J2 जंक्शन से वेरी वेरी स्मॉल करंट क्या करेगा, पास करेगा, जितना चार्ज J2 जंक्शन से उतना ही चार्ज आपका J3, J3 जंक्शन से भी उतना ही चार्ज पास करेगा, तो उतना ही करंट आपका J3 जंक्शन से पास करेगा, उतना ही करंट आपका J1 जंक्शन से। अब आप देखें ओवरऑल आपका जो है, जो डिवाइस है, तीनों जंक्शन से वेरी वेरी स्मॉल करंट पास करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग, लेकिन डिवाइस के लिए करंट कैसा होगा बेटा, एनोड से कैथोड की तरफ, अगर एनोड से कैथोड की तरफ करंट पास कर, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड, डिवाइस के लिए फॉरवर्ड कंडक्शन है, लेकिन करंट किसकी वजह से आ रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो इस करंट को बोलेंगे लीकेज करंट। तो जब भी आपकी डिवाइस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट करे, इस समय वोल्टेज क्या, आपकी डिवाइस फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक कर रही है, तब डिवाइस से फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेरी वेरी स्मॉल करंट क्या करेगा, पास करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वोल्टेज को ब्लॉक कर रही है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लीकेज करंट फ्लो करेगा, रिवर्स में वोल्टेज को ब्लॉक करती तो रिवर्स डायरेक्शन में आपका वेरी वेरी स्मॉल करंट क्या करेगा, पास करेगा। ठीक है, तो वेरी वेरी स्मॉल करंट पासिंग थ्रू द डिवाइस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, लीकेज करंट इज पासिंग थ्रू, दैट इज कॉल्ड लीकेज करंट, लीकेज करंट पासिंग थ्रू द डिवाइस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। J2 जंक्शन का जो रिवर्स कंडक्शन है, J2 जंक्शन रिवर्स में कंडक्ट कर रहा है, लेकिन किसकी वजह से, माइनॉरिटी, J2 जंक्शन का रिवर्स कंडक्शन डिवाइस के लिए कैसा कंडक्शन है, एनोड से कैथोड, फॉरवर्ड कंडक्शन, लेकिन स्मॉल करंट है तो डिवाइस से भी स्मॉल करंट पास करेगा, स्मॉल करंट मतलब लीकेज करंट विल बी देयर। ओवरऑल आपका J2 जंक्शन से वेरी वेरी स्मॉल चार्ज कैरियर, तो सेम चार्ज कैरियर आपका J1 और J3 के पास करेगा, क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में करंट या फिर चार्ज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है,
अब जैसे जैसे आप देखेंगे, जैसे आप इस फॉरवर्ड वोल्टेज को अप्लाई करेंगे जे टू जंक्शन रिवर्स बायस जंक्शन के भी करेंगे ओपन सर्किट, तो सारा का सारा जो वोल्टेज है वो किसके क्रॉस आएगा आप बोल सकते हैं, सारा का सारा जो वोल्टेज है फॉरवर्ड वोल्टेज वो आपकी डिवाइस के क्रॉस बोलिए, सारा का सारा फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज डिवाइस के क्रॉस बोलिए, या फिर किस जंक्शन के क्रॉस आएगा बेटा, हेलो किस जंक्शन के क्रॉस आएगा, दैट इज जे टू जंक्शन के क्रॉस आएगा, जे टू जंक्शन के क्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज आएगा, जे टू जंक्शन के क्रॉस ये फॉरवर्ड वोल्टेज। अच्छा जे टू जंक्शन के क्रॉस ये जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है, डिवाइस के जो फॉरवर्ड वोल्टेज हो जे टू जंक्शन के क्रॉस कैसे रिवर्स बायस वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाने का मतलब मैं जे टू जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जो फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज जे टू जंक्शन को रिवर्स बायस कर रहा है, अगर मैं अपने फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा तो जे टू जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो डिवाइस से लीकेज करंट भी क्या करेगा, ज्यादा पास करेगा, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो चलो मैं लिख रहा हूं बेटा, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, गोविंद क्लियर है, चलो लिखना स्टार्ट करो, आपके एससीआर फॉरवर्ड में वोल्टेज को कैसे ब्लॉक करता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब मैं इस फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते जे टू जंक्शन के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर, इसको मैं बढ़ाते बढ़ाते मतलब 800 वोल्ट अप्लाई करता हूं, जे टू जंक्शन के क्रॉस 800, ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज है जे टू जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस, अगर मैं फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं तो जे टू जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, और जब ये फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ते बढ़ते जे टू जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर, तो ये जंक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो ये रिवर्स में कंडक्ट करेगा, आपका जे टू जंक्शन का रिवर्स कंडक्शन डिवाइस की कैसा कंडक्शन है, एनोड से कैथोड, फॉरवर्ड कंडक्शन है आपका, ये जंक्शन रिवर्स में कंडक्ट करेगा तो डिवाइस आपकी फॉरवर्ड में कंडक्ट करेगी, अगर आपका ये जंक्शन ब्रेक हो गया, ये तो पहले से क्या है फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस, अगर ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा तो ये भी कंडक्शन मोड में आएगा, तीनों के तीनों जंक्शन अगर कंडक्शन मोड में आएंगे तो स्विच भी क्लोज, स्विच अगर क्लोज हो जाएगा तो डिवाइस से ह्यूज अमाउंट ऑफ द करंट पास करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तभी देखते हैं कैसे कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। और जब भी कोई डिवाइस प्रैक्टिकल डिवाइस कंडक्शन मोड में जाती है तो वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर करती है, स्मॉल रेजिस्टेंस की वजह से डिवाइस के क्रॉस स्मॉल ड्रॉप होगा, सारा सारा वोल्टेज किसके क्रॉस दिखेगा, लोड के क्रॉस, तो यहां पर हम बात करते हैं दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग के लिए, तो आप लिखेंगे, देखिए नाउ यू कैन बी राइट डाउन, व्हेन एनोड इज मेड पॉजिटिव with respect to cathode, when anode is made positive respect to cathode, J1 and J3 junctions are forward bias, and J2 junction is reverse bias. J2 junction is reverse bias. J2 junction reverse bias, it is behaving like a open circuit. या फिर डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाएगी, डिप्लीशन लेयर की वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पास नहीं कर पाएंगे, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज कैरियर पास करेंगे, जे टू जंक्शन से उतना ही चार्ज कर जे थ्री और आपका जीवन, तो डिवाइस जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेरी वेरी स्मॉल चार्ज कैरियर पास करेंगे, स्मॉल चार्ज कैरियर की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में लीकेज करंट क्या करेगा पास, करंट में वेरी वेरी स्मॉल, तो रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस इज वेरी वेरी हाई, अगर आपकी डिवाइस का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, हेलो डिवाइस का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो पूरा अप्लाइड वोल्टेज लगभग डिवाइस के क्रॉस, डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज आएगा तो डिवाइस ओपन सर्किट में बिहेव करेंगे, क्लियर है, इस तरह भी आप सोच सकते हैं, इफ द करंट इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि आप देखें रिवर्स बायस है ना, केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे तो सेम चार्ज आपका J1 और J3 जंक्शन भी पास करेगा, डिवाइस से वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, हेलो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दैट इज N से P की तरफ वेरी वेरी स्मॉल चार्ज कैरियर पास करेंगे, ठीक है, N से P आपका जो है J2 जंक्शन का जो रिवर्स कंडक्शन है डिवाइस के लिए क्या है, एनोड से कैथोड का कंडक्शन है, तो डिवाइस से फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेरी वेरी स्मॉल करंट पास करेगा, अगर डिवाइस का करंट बहुत ज्यादा है तो डिवाइस का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है,
लोड का रेजिस्टेंस ओम में होगा, ये मेगा ओम में होगा। तो आप वोल्टेज डिवीजन थ्योरम से देखेंगे तो डिवाइस के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज है, अगर डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज ज्यादा है तो डिवाइस वोल्टेज को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी, मतलब इट इज बिहेविंग लाइक ए ओपन सर्किट। ठीक है, when anode is made positive respect to cathode, J1 and J3 junction are forward bias and J2 junction is reverse bias, so that J2 junction reverse bias होता है open circuit, जिसकी वजह से J2 junction अगर open circuit है, जिसकी वजह से कोई भी current नहीं pass करेगा, सारा का सारा voltage device के cross आएगा, device के cross voltage device इस voltage को क्या करेगी, block करेगी। ठीक है, so that अच्छा कब तक voltage को block करेगी, hello J2 junction आपके इस फॉरवर्ड वोल्टेज को कब तक ब्लॉक कर सकता है, जब तक कि आपका फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज, जब तक कि फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज, ये फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज J2 जंक्शन के क्रॉस दिख रहा है लेकिन रिवर्स बायस, अगर मैं इस फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं, मतलब J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं, और अगर मैं फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते J2 जंक्शन के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम रखूंगा, तब तक ये वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, तब तक इस फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, और जैसे आप इस फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते J2 जंक्शन के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर ले आएंगे तो ये जंक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये जंक्शन रिवर्स में कंडक्ट करेगा, अगर ये जंक्शन रिवर्स में कंडक्ट करेगा तो ओवरऑल डिवाइस के लिए कैसा कंडक्शन होगा, फॉरवर्ड कंडक्शन, डिवाइस फॉरवर्ड में कंडक्ट करने लगेगी, कंडक्शन मोड में पहुंच जाएगी। हाँ ठीक है, चलो लिख रहा हूं, तो जब तक आपका फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज J2 जंक्शन के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या है, कम है, सो दैट ये रिवर्स बायस है, अगर ये जंक्शन रिवर्स बायस है, जिसकी वजह से J2 जंक्शन ओपन सर्किट बिहेव करेगा, जिसकी वजह से डिवाइस फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लॉक, सो दैट J2 जंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के लिए कौन सा जंक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है, J2 जंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग के लिए SCR में कौन सा जंक्शन रिस्पॉन्सिबल है, J2 जंक्शन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी मैं VI करैक्टरिस्टिक बनाऊंगा, VI करैक्टरिस्टिक आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आपका फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज J2 जंक्शन के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा, तो J2 जंक्शन उस फॉरवर्ड वोल्टेज को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, तो मतलब आपकी डिवाइस इस फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक कर रही है। ठीक है, ठीक है, चलो तो यहां मैं फिगर आपको समझा रहा हूं, आपको बनाने की जरूरत नहीं, आपको एक बार समझिएगा, बनाना नहीं है आपको, ध्यान से देखिएगा, आपको दोबारा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप केवल समझिएगा, VI करैक्टरिस्टिक में बना रहा हूं, समझ के बनाइएगा। This is four layer P plus N minus P and this is N plus. This is anode. This is cathode. Blocking करानी है, गेट टर्मिनल को हम ओपन रखेंगे, गेट से हम कोई भी करंट को फ्लो, कंट्रोल सिग्नल आपको देना नहीं है, दिस इज स्विच एस है, ये ओपन है। ठीक है, चलो नाउ दिस इज द लोड, दिस इज फॉरवर्ड वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज।
व्हेन एनोड इज मेड, ध्यान सुनिएगा, व्हेन एनोड इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, जैसे ही आप एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड करेंगे, J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, J2 जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा, और J2 जंक्शन के रिवर्स बायस होते ही J2 जंक्शन के क्रॉस डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगा। और आप देखेंगे जिसकी वजह से आपकी डिवाइस से J2 जंक्शन रिवर्स बायस से केवल माइनॉरिटी चार्ज के पास करेंगे, ठीक है, तो ओवरऑल डिवाइस से भी कौन सी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से लीकेज करंट फ्लो करेगा फॉरवर्ड ऐसे, क्योंकि आपका J2 जंक्शन जो रिवर्स बायस है उससे वेरी वेरी स्मॉल करंट पास करेगा N से P, तो डिवाइस के लिए कैसा कंडक्शन होगा, फॉरवर्ड कंडक्शन होगा, लीकेज करंट इज पासिंग थ्रू द डिवाइस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा, अगर हाई रेजिस्टेंस तो सारा सारा अप्लाइड वोल्टेज किसके क्रॉस है, डिवाइस के क्रॉस है, KCL दैट इज मेगा ओम में है, अगर डिवाइस के क्रॉस वोल्ट डिवाइस कैसे बिहेव करेगी, ओपन सर्किट तक बिहेव करेगी, ठीक है, तो आप देखेंगे आपका J2 जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा जिसकी वजह से डिवाइस आपका ओपन सर्किट तक क्या करेगी, बिहेव करेगा, तो सारा सारा फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज किसके क्रॉस आएगा, डिवाइस के क्रॉस बोलिए या फिर किस जंक्शन के क्रॉस आएगा, J2 जंक्शन, क्योंकि ये तो फॉरवर्ड बायस है, शॉर्ट सर्किट, ये दिस इज ओपन सर्किट, या फिर किस जंक्शन के क्रॉस आएगा, दैट इज J2 जंक्शन के क्रॉस, और ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज है ना, फॉरवर्ड वोल्टेज, ये जो आपका फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो J2 जंक्शन के क्रॉस है, ये रिवर्स बायस वोल्टेज से बिहेव करे, ठीक है, तो आप देखेंगे आपका J2 जंक्शन कितने वोल्टेज को ब्लॉक कर सकती है, 8000 तक के रिवर्स बायस वोल्टेज को ब्लॉक कर सकती है, ठीक है, तो आप देखेंगे आपका जब तक ये फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज J2 जंक्शन के क्रॉस है, ये रिवर्स बायस वोल्टेज पे बिहेव करा, अगर मैं अपने फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज पहले मान लो 100 वोल्ट अप्लाई किया, ध्यान यहां पर 100 वोल्ट अप्लाई किया, ये फॉरवर्ड वोल्टेज डिवाइस के क्रॉस कैसे आ रहा है, रिवर्स बायस वोल्टेज, तो इसका अगर मैं 100 वोल्ट का फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करूंगा, ये सारा सारा फॉरवर्ड वोल्टेज J2 जंक्शन के क्रॉस एज ए रिवर्स बायस, J2 जंक्शन के क्रॉस कितना रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया, 100 वोल्ट का, क्योंकि आपका रिवर्स वोल्टेज आपके J2 जंक्शन के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है, तो J2 जंक्शन इसके क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी, इसके लिए ओपन सर्किट पर बिहेव करेगी, मतलब ये ब्लॉक करेगी, अगर मैं इस फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते 200 वोल्ट कर दो, तो ये सारा सारे जो फॉरवर्ड वोल्टेज है जो कि 200 वोल्ट है वो J2 जंक्शन के क्रॉस ऐसे रिवर्स बायस वोल्टेज दे, तो आपका J2 जंक्शन के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, 200 वोल्ट, क्योंकि अभी भी आपका जो फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज है वो J2 जंक्शन के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है, तो J2 जंक्शन इस फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लॉक करे तो डिवाइस इस फॉरवर्ड वोल्टेज को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी, इसको बढ़ा के मैंने 400 कर दिया, 400 फॉरवर्ड वोल्टेज J2 जंक्शन के क्रॉस है, रिवर्स बायस वोल्टेज से बिहेव करेगा, अभी भी रिवर्स बायस वोल्टेज आपका J2 जंक्शन के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है, अभी भी डिवाइस वोल्टेज को ब्लॉक कर, लेकिन आप देखेंगे अगर मैं इस फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं, इस फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाने का मतलब है आप J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा रहे, और जब भी आप रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या होगी, बढ़ेगी, ड्रिफ्ट ऑफ द डिप्लीशन लेयर बढ़ने से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ने से बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो आपकी डिवाइस से फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो कि डिवाइस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो लीकेज करंट क्या कर रहा होगा, पास कर रहा होगा, उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती, जैसे जैसे आप इस फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से विफ्ट ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, आपका लीकेज करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब जो है मान लीजिए मैं इस फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते J2 जंक्शन के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर अप्लाई कर, ध्यान सुनिएगा, जब आपका ये फॉरवर्ड वोल्टेज या फिर सप्लाई वोल्टेज बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज आपका 800 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, कितना 800 वोल्ट, मतलब J2 जंक्शन के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, दिस इज नथिंग बट 800 वोल्ट, दैट इज दिस इज ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेक वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ J2
जंक्शन लिखना नहीं है तुम लोग को, समझना है रिवर्स ब्रेकडाउन ऑफ J2 जंक्शन के बराबर हो जाएगा। अगर आप जो है जो फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते आप J2 जंक्शन के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर कर देंगे तो J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन होने का मतलब है कि यहां पर क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होते ही सारे सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन काफी तेजी से बढ़ जाएगा, काफी ज्यादा माइनॉरिटी। तो आपका J2 जंक्शन से वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करेंगे, पास करेंगे। और बेटा वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पास कर, जितने चार्ज कैरियर आपके J2 जंक्शन से पास करेंगे उतने ही आपके J1 एंड J3 जंक्शन से पास करेंगे, क्योंकि ये तो फॉरवर्ड बायस है, शॉर्ट सर्किट है। जितना यहां से पास कर जाएगा उतना तो इनसे भी पास कर जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे ही आपका ब्रेकडाउन होगा J2 जंक्शन रिवर्स डायरेक्शन में वेरी वेरी हाई करंट क्या करेगा, पास करेगा। वेरी वेरी हाई करंट इज पासिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, लेकिन आपका बेटा J2 जंक्शन रिवर्स में कंडक्ट कर, लेकिन डिवाइस के लिए कैसा कंडक्शन है, फॉरवर्ड, मतलब डिवाइस से फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेरी वेरी हाई करंट पास करेगा। अगर वेरी वेरी हाई करंट पास करेगा तो आपका SCR का रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल। अगर वेरी वेरी स्मॉल है तो आप देखेंगे डिवाइस के क्रॉस अगर रेजिस्टेंस कम है तो वेरी आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सारा सारा वोल्टेज कहां दिख जाएगा, लोड के क्रॉस। तो अगर लोड के क्रॉस वोल्टेज है तो डिवाइस क्या है, कंडक्शन मोड में पहुंचेंगे, दैट इज बिहेविंग लाइक इट। ये दोनों तो पहले से क्लोज थे क्योंकि J2 जंक्शन से वेरी वेरी हाई चार्ज के लिए पास कर, तो J2 जंक्शन रिवर्स में कंडक्ट करने लगा। और इसको भी अगर ये कंडक्ट करने लगा तो इट इज बिहेविंग लाइक ए शॉर्ट सर्किट, या फिर इट इज offering very very small resistance that is behaving like a short circuit. तो overall device ये close switch की तरह behave करेगी और device forward conduction mode में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो मैं अपने SCR को forward conduction mode में लेके जा सकता हूं क्या करके, very very high forward voltage apply करके। बस आपको अपने forward voltage को बढ़ाते बढ़ाते J2 junction के reverse breakdown voltage के बराबर करना। लेकिन अभी कुछ लोग बोलेंगे सर जो है जब breakdown होगा तो device तो burn हो जाएगी, we will discuss अभी। अभी आपको इतना मालूम होना चाहिए कि यहाँ breakdown होगा conduction mode में पहुंच जाएगी। मैं characteristic बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आई करक थोड़ा बहुत आपको क्लियर है ना, किसी को कोई शक, चलो ठीक है, चलो करेक्टरिस्टिक बनाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग उसी के नीचे हेडिंग डालिएगा VI, और बड़ी पूरे एक पेज में बनाइएगा, कई सारी चीजें डिस्कस करूंगा। देखिए VI करेक्टरिस्टिक, VI करेक्टरिस्टिक ऑफ द SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की VI करेक्टरिस्टिक डिस्कस करने जा रहा हूं। VI characteristic of the SCR. तो जब तक आपका फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज J2 जंक्शन के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा, तब तक डिवाइस इस फॉरवर्ड वोल्टेज को क्या करती रहेगी, ब्लॉक करती जाएगी। मैंने ये बोला आपसे, हेलो, मैंने बोला जब तक आपका फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज J2 जंक्शन के रिवर्स ब्रेकडाउन मतलब 800 वोल्ट से कम रहेगा तब तक जितना भी फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज तक पहुंचेगा। अगर आपका रिवर्स ये फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज जो J2 जंक्शन को रिवर्स बायस करा हुआ, अगर ये रिवर्स बायस वोल्टेज आपके J2 जंक्शन के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है तो J2 जंक्शन इस फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक, J2 जंक्शन फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करने का मतलब डिवाइस इस फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक कर रही है, ठीक है, क्लियर विल बी देयर, ठीक है। नाउ दैट इज VI करेक्टरिस्टिक ऑफ द SCR, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, जहां पर आपने लिखा था यहां पर एक चीज और लिखिएगा, J2 जंक्शन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इफ द फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ J2 जंक्शन देन द डिवाइस विल बी ब्लॉक दिस फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है। चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम लोग को आता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो अब मैं VI करेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा VI करेक्टरिस्टिक। नाउ दिस इज एनोड करंट, एनोड करंट क्या है, एनोड से कैथोड की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट बनाया जाता है, एनोड करंट इन नथिंग बट थायरिस्टर करंट, दिस इज कॉल्ड एनोड करंट, या फिर इसी को थायरिस्टर के करंट को मैं एनोड करंट दिखाऊंगा और वो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ दिखाया जाता है, दिस इज कॉल्ड थायरिस्टर करंट, दिस इज एनोड टू कैथोड वोल्टेज,
एनोड टू कैथोड वोल्टेज या फिर थायरिस्टर वोल्टेज, थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, ठीक है, वीआई करैक्टरिस्टिक ड्रॉ करने जा रहा हूं। ध्यान सुनिएगा, व्हेन एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड, ध्यान सुनिएगा, व्हेन एनोड इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, व्हेन एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड, J1 and J3 junctions are forward bias and J2 junction is reverse bias. J2 junction reverse bias होगा. J2 junction reverse bias होगा तो J2 junction open circuit पे behave करेगा. तो जितना भी आप forward voltage apply करेंगे, वो सारा का सारा device के cross appear होगा. Device के cross appear होने वाला है. और बेटा आप देखेंगे कब तक appear होगा? जब तक आपका forward applied voltage J2 junction के reverse breakdown voltage से कम रहेगा. मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ. This is 800 volt. This is 800 volt. This is 800 volt. आपका J2 junction के cross breakdown कराने के लिए कितना voltage चाहिए होता है? 800 volt. ठीक है, ये 800 volt है. तो जब तक आपका forward applied voltage 800 voltage से क्या होगा? कम होगा, तब तक device voltage को block करेंगे. मतलब जितना भी voltage आप apply करेंगे वो सारा सारा device के cross आएगा. जितना भी मैं voltage 100 volt apply करूंगा 100 volt आएगा, 200 वोल्ट अप्लाई करूंगा 200 आएगा, 300 जब तक मैं इस फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते हेलो ये फॉरवर्ड वोल्टेज आप देखेंगे, ये फॉरवर्ड वोल्टेज जब तक J2 जंक्शन के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होगा तब तक ये फॉरवर्ड वोल्टेज कहां पर दिखेगा? डिवाइस के क्रॉस, एनोड टू कैथोड वोल्टेज के बराबर. एनोड टू कैथोड वोल्टेज की वैल्यू किसके बराबर होगी? फॉरवर्ड वोल्टेज के बराबर होगी. ठीक है, यहां पर देखें साफ साफ फिगर में, ये मेरा एनोड टू कैथोड वोल्टेज है. दिस इज कॉल्ड एनोड टू कैथोड वोल्टेज, जिसी को मैं फॉरवर्ड वोल्टेज बोल रहा हूं. तो जैसे ही आप इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे, J1 J3 जंक्शन कैसे हो जाएंगे? फॉरवर्ड में J2 जंक्शन रिवर्स बायस. ठीक है, तो आप देखेंगे J2 जंक्शन रिवर्स बायस की ओपन सर्किट बिहेव करेगा. तो जितना भी फॉरवर्ड वोल्टेज होगा वो आपको कहां दिखेगा? डिवाइस के क्रॉस दिखेगा, डिवाइस के क्रॉस. तो जैसे जैसे मैं इस फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाता जा रहा हूं, मतलब मेरा एनोड टू कैथोड वोल्टेज क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है. ठीक है, या फिर J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है. ये फॉरवर्ड वोल्टेज डिवाइस के क्रॉस दिखाई देगा. ठीक है, नाउ दिस इज जितना फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे सारा सारा फॉरवर्ड वोल्टेज डिवाइस के क्रॉस एनोड टू कैथोड वोल्टेज के बराबर. दिस इज प्लस इज कनेक्टेड टू प्लस, माइनस इज कनेक्टेड टू माइनस. ठीक है, तो आप देखेंगे. अच्छा बताओ, जैसे जैसे मैं इस फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा, फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा, J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता जाएगा. विथ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. लीकेज करंट आपका क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन. फॉरवर्ड डायरेक्शन में लीकेज करंट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. तो मैं बना रहा हूं बेटा, जैसे जैसे मैं अपने फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ा, लो फॉरवर्ड वोल्टेज आपका डिवाइस के क्रॉस अपीयर हो रहा है. फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाने का मतलब एनोड टू कैथोड वोल्टेज बढ़ा, क्योंकि सारा सारा वोल्टेज डिवाइस के क्रॉस ही जा रहा है. ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे जैसे मैं अपने फॉरवर्ड वोल्टेज या फिर एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा, J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाएगी. और विड्थ ऑफ द डिप्लीशन बढ़ती जाएगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो लीकेज करंट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे आप अपने फॉरवर्ड वोल्टेज या फिर एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता जाएगा, लीकेज करंट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव करंट है, और बेटा एनोड टू कैथोड वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव है. आपका जो करैक्टरिस्टिक है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी, क्योंकि लीकेज करंट पास कर रहा है, वेरी वेरी स्मॉल करंट. तो आपकी करैक्टरिस्टिक कहां बनेगी? पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पास बनेगी. अगर करैक्टरिस्टिक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पास है, तो आपकी डिवाइस पहले मोड को सपोर्ट करेगी, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट करेगी. तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैं अपने फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाता जा रहा हूं, या फिर फॉरवर्ड वोल्टेज ही एनोड टू कैथोड वोल्टेज, क्योंकि वो फॉरवर्ड वोल्टेज एनोड टू कैथोड के क्रॉस ही दिखाई दे रहा है. फॉरवर्ड वोल्टेज नथिंग बट द एनोड टू कैथोड वोल्टेज. जैसे जैसे आप फॉरवर्ड या फिर एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाएगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो लीकेज करंट आपका बढ़ता जाएगा. करैक्टरिस्टिक कुछ ऐसी आएगी, जैसे जैसे मैं अपने फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाता जा रहा हूं, आपका J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो लीकेज करंट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. ध्यान रखें, आपका एनोड टू कैथोड या फिर फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, फॉरवर्ड एस में लीकेज करंट क्या होता जाएगा? बढ़ता जा रहा है. नाउ दिस इज
करेक्टरिस्टिक कहां पर आ रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, किसके पास, पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास। तो अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल डिवाइस है, अगर आपकी करेक्टरिस्टिक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास है, तो वो डिवाइस किस मोड को सपोर्ट करी, पहले मोड को सपोर्ट करी। कौन सा मोड होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट करे। दिस इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट करे। और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज जे टू जंक्शन आपका रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज द करेक्टरिस्टिक फॉर द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, क्लियर है, बनाइए इतनी करेक्टरिस्टिक। अभी आगे चलेंगे, जैसे जैसे आप अपने फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, मतलब एनो टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, जे टू जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता जाएगा। और जब अपने फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते जे टू जंक्शन के ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर कर देंगे, जे टू जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन हो जाएगा, डिवाइस आपकी कंडक्शन मोड में चली जाएगी और फॉरवर्ड एक्स में वेरी वेरी हाई करंट पास करेगी। कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक आएगी, अभी मैं बता रहा हूं। अब मैं अपनी डिवाइस को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड आपको समझ में आ गया होगा, अब मैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लेके जा रहा हूं, डिवाइस को कंडक्ट कराना चाहता हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कैसे कंडक्ट करेंगे, एसईआर को दो तरीके से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लेके जा सकते हैं, बिना गेट सिग्नल दिए हुए और गेट सिग्नल दिए हुए। बोलेंगे सर अभी तो इससे पहले आपने बताया कि गेट सिग्नल का यूज करते हैं एसईआर को ऑन करने के लिए, बिना गेट सिग्नल दिए हुए भी एसईआर को ऑन किया जा सकता है, लेकिन अगर बिना गेट सिग्नल दिए हुए एसईआर को ऑन करेंगे तो एसईआर के डैमेज होने के चांस बहुत ज्यादा है, 99% आपका एसईआर डैमेज हो सकता है। इसलिए बिना गेट सिग्नल दिए हुए एसईआर को ऑन नहीं करते हैं। फिर प्रैक्टिकली वो ऑन होगा नहीं, कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं। अगर आप करने में सफल भी होगा तो डिवाइस के डैमेज होने का चांस ज्यादा होगा। इसलिए जनरली एसईआर को किसकी हेल्प से ऑन किया जाता है, गेट सिग्नल की हेल्प से ऑन किया जाता है। मैं दोनों चीजें बताने जा रहा हूं, ध्यान से बहुत सुनिएगा, यहां तक क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट सेटिंग डालिए, हम अपने एसईआर को कहां पर लेके जा रहे हैं, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक, बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि करेक्टरिस्टिक सीखना इंपॉर्टेंट है। लोग आते हैं ऐसे खींचते हैं ऐसे कैसे खींचना ये आपको समझना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालिए, दैट इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। सेकेंड इज, अब मैं अपने एसईआर को फॉरवर्ड में कंडक्ट कराने जा रहा हूं, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अगर आप अपने एसईआर से फॉरवर्ड में कंडक्शन कराना चाहते हैं तो क्या करना होगा, दैट इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लेके जा रहा हूं। आप अपने एसईआर को दो तरीके से कंडक्ट करा सकते हैं, फिर कंडक्शन मोड में लेके जा सकते हैं, बिना गेट सिग्नल के दिए भी, मतलब गेट सिग्नल देने की जरूरत नहीं, लेकिन बिना गेट सिग्नल दिए अगर ऑन करने की कोशिश करेंगे ना एसईआर को, जब हम खरीदने जाते हैं तुम्हें क्या लगता है कितने की आता होगा, जो एसईआर 7000 वोल्ट तक के वोल्टेज को ब्लॉक करता है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, ट्रांसमिशन में लगता है 7000 वोल्ट। आप देखेंगे किलो वोल्ट 11 केवी, 132 केवी, 222 केवी, 7 केवी, 132 केवी हर ट्रांसमिशन लाइन में कितना कॉस्टिंग होगी एक एसईआर की, जरा बताओ मुझे। जो एसईआर 5000 तक के वोल्टेज को ब्लॉक करता है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 7000 वोल्ट के वोल्टेज को ब्लॉक करता है, सलीम खान बोल रहे हैं 1 लाख का होगा, नो आइडिया। जो एसईआर 7000 तक के वोल्टेज को ब्लॉक करता है उसकी कॉस्टिंग अगर आप देखने जाएंगे तो कम से कम 2.5 से 3 लाख का एसईआर पड़ता है, 50 रुपए। गोविंद, एनालॉग डिवाइस नहीं है बेटा, डायोड नहीं है कि 75 पैसे का मिलेगा, 50 वोल्ट ब्लॉक नहीं कर रहा, 7000 वोल्ट कितना करंट फ्लो करा रहा है, 5000 एम्पियर। आपका जो डायोड होता है जो 75 पैसे का मिलता है कितना करंट, 1 एम्पियर, 5000 एम्पियर करंट फ्लो करा सकता है और 7000 वोल्ट तक के वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है। तो कॉस्टिंग इज नथिंग बट अराउंड दैट इज 2.5 से 3 लाख रुपए का आता है जो ट्रांसमिशन में लगा होता है। दिस इज नॉट ए सस्ता डिवाइस। ये नहीं कि सर हम अपने लैब में एक्सपेरिमेंट किए थे, भैया तुम्हारे लैब में जो एसईआर था उसकी रेटिंग 1-2 एम्पियर थी, ज्यादा से ज्यादा आपका 100 तक वोल्ट, 230 या फिर 240 वोल्ट तक के जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, जो आपके लैब में रखा होता है, वहां पर जो एसईआर मंगाते हैं कॉलेज वाले वो ज्यादा से ज्यादा 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट तक के वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, उससे ज्यादा वोल्टेज को ब्लॉक नहीं कर सकता, तो उसकी कॉस्ट भी कम होती है। लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं उस एसईआर की जो ट्रांसमिशन में लगाते हैं, जो आपका 5000 तक के फॉरवर्ड करंट को फ्लो करा सकता है और 7000 तक के वोल्टेज को ब्लॉक करता है, उसको जब आप खरीदने जाएंगे तो कॉस्टिंग आपकी 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास आएगी। वेरी वेरी कॉस्टली डिवाइस।
और अगर कॉस्टली डिवाइस है, इसको आप बर्न आउट नहीं करेंगे कि आप सोचेंगे सर मैं इसको बर्न आउट कर देता हूं जो है, तो ज्यादा घाटा लग जाएगा, क्योंकि जब आप 132 केवी में करते हैं तो एक सिंगल एससीआर यूज नहीं करते हैं, आपको कई सारे एससीआर को सीरीज में लगाना पड़ता है। कम से कम 132 केवी की लाइन पे आप देखेंगे आपका 100 से 110 एससीआर लगे होते हैं। 100 से 110 एससीआर को मल्टीप्लाई करो 3 लाख से, कितना आएगा? करोड़ों में कॉस्ट पहुंच जाएगी, ठीक है, करोड़ों में कॉस्ट जाएगी, और करोड़ों में कॉस्ट जाएगी, और जिस दिन जो है करोड़ों की चीज फूक दोगे ना, उस दिन तुम्हारी जॉब चली जाएगी, ठीक है। तो यू कैन नॉट बी आप इतने एससीआर को जो है ऑन करने गए और बोले कि सर बिना गेट के ऑन करेंगे, बिना गेट के ऑन करेंगे तो फूक जाएगा वो, ठीक है, लेकिन ऑन कर सकते हैं, ये एक मेथड है जो मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकली हम बिना गेट सिग्नल दिए ऑन नहीं करते। क्यों नहीं करते मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर लिखने जा रहे हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में अपने एससीआर को लेके जा सकते हो। दो तरीके हैं एससीआर को कंडक्शन मोड में लेके जाने के लिए, एक तो बिना गेट सिग्नल दिए हुए, दूसरा गेट सिग्नल देके। गेट सिग्नल देके ही एससीआर को टर्न ऑन करते हैं। लिखें, देयर आर टू मेथड फॉर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, देयर आर टू मेथड्स फॉर द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लेके जाने के लिए दो मेथड है, दैट इज द फर्स्ट मेथड विदाउट अप्लाइंग द गेट सिग्नल, विदाउट अप्लाइंग मतलब कंडक्शन मोड में लेके जाना, मतलब एससीआर को टर्न ऑन करने का मेथड है, ऑन करने का। सेकेंड हैंड कितने? सेकेंड हैंड तो बेटा मुझको नहीं मालूम है, सेकेंड हैंड तो डिपेंड करता है कितनी बार्गेनिंग कर लोगे। लेडीज को लेके जाओगे तो सस्ता मिल जाएगा, जेंट्स को लेके जाओगे तो ठग जाओगे, तो इसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ बेटा कितने का मिलेगा, ये तो तुम्ही को जाना पड़ेगा। किसी लेडीज को पकड़ो तो सस्ते मिल जाएगा, तुम जाओगे तो ठग लेगा, ठीक है, इसलिए नो आइडिया फॉर सेकेंड हैंड, ठीक है। जानते ना, जब चांदनी चौक में जाओगे 5,000 की साड़ी होती है 50 रुपए में लड़कियां लेके चली आती है, तुम जाओगे बोलोगे 5,000 की है तो चलो 4,500 में दे दो, है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, सेकेंड हैंड का आईडिया उनको ज्यादा रहता है, ठीक है। विदाउट अप्लाइंग द गेट सिग्नल, बिना गेट सिग्नल दिए हुए भी टर्न ऑन कर सकते हैं, और दूसरा मेथड है बाई अप्लाइंग द गेट सिग्नल। ये बताओ अगर बिना गेट सिग्नल दिए ऑन कर लेते तो फिर गेट देने की जरूरत क्या थी, ठीक है। एक तो यही लॉजिक आपको बनता है कि अगर बिना गेट सिग्नल दिए सीआर को ऑन कर लेते तो फिर गेट देने की जरूरत क्या थी, दिक्कत होगी इसमें तभी ये दिया है, ठीक है। यहां पर लिख लो, यहां पर इसमें लिख लो, बिना गेट सिग्नल दिए जो मेथड है सीआर को टर्न ऑन करने का, प्रैक्टिकली नॉट प्रिफर्ड। और ये गेट सिग्नल की हेल्प से प्रैक्टिकली ये मेथड प्रिफर्ड किया जाता है सीआर को, ये सेफ मेथड है, ये सेफ मेथड है, बिना डैमेज हुए सीआर ऑन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकली प्रेफर्ड मेथड टू टर्न ऑन द एससीआर, टू टर्न ऑन द एससीआर, एससीआर को ऑन करने के प्रैक्टिकली प्रेफर्ड मेथड है। गेट से हम ट्रिगर करते हैं, ऑन करना मतलब ट्रिगर, जैसे बंदूक को ट्रिगर करते हैं चलाना, तो एससीआर को चलाने को ही बोलते हैं टर्न ऑन करना, दैट इज कॉल्ड ट्रिगरिंग मेथड। दिस इज ए प्रैक्टिकल ट्रिगरिंग मेथड, दिस इज ए प्रैक्टिकल ट्रिगरिंग या फिर टर्न ऑन मेथड, दिस इज नॉट ए प्रैक्टिकल टर्न ऑन मेथड, इससे डिवाइस डैमेज हो जाए। तो पहले हेडिंग डालिए विदाउट अप्लाइंग द गेट सिग्नल हम एससीआर को कैसे टर्न ऑन कर सकते हो, क्या दिक्कत हो रही है, क्यों फूक जा रहा है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। चल पहला मेथड लिखेंगे, नाउ फर्स्ट मेथड without applying the
गेट सिग्नल, मतलब गेट सिग्नल को नहीं अप्लाई करना, गेट करंट की वैल्यू जीरो। बिना गेट सिग्नल दिए हुए एसटीआर को हम टर्न ऑन करने जा रहे हैं, फिर देखेंगे क्या दिक्कत होने वाली। टर्न ऑन होगा लेकिन हो सकता है डैमेज हो जाए, या फिर प्रैक्टिकल इतना वोल्टेज ही नहीं होता कि आप इसको टर्न ऑन कर पाए। अगर इतना वोल्टेज आपने कहीं से अरेंज कर लिया टर्न ऑन करने वाला बिना गेट से, तो डिवाइस के डैमेज होने का खतरा बहुत ज्यादा है। एक कॉस्टली डिवाइस आपकी डैमेज हो जाएगी टर्न ऑन होते समय। चलो हम लोग किस मोड में लेके जा रहे हैं, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड का मतलब होता है दैट इज एनोड इज मेड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, लेकिन इस मेथड में गेट सिग्नल नहीं अप्लाई करना, बिना गेट सिग्नल जो ये टर्न ऑन करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलो बना रहे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लेके जा रहे हैं या फिर टर्न ऑन करने जा रहे हैं डिवाइस। अच्छा ये बताओ, पहले थोड़ा सी कॉमन सेंस वाली बात करते हैं, देखते हैं कॉमन सेंस है कि नहीं है तुम लोगों में। ये बताओ यार, मैंने अभी बोला था आपसे कि यार जे टू जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन हो जाएगा तो कंडक्शन मोड में चला जाएगा, डायोड में कंडक्शन मोड में नहीं गया था, डायोड में तो बर्नआउट हो गया था, ब्रेकडाउन हुआ था, है ना। देखो ध्यान से सुना जब मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखो, डायोड में क्या था, ध्यान से देखिएगा। This is P and this is N. This is anode and this is cathode. ध्यान से सुनते जाओ मैं बोल रहा हूं, जो रिवर्स बायस वोल्टेज के बारे में बात कर रहा हूं, नहीं तो जो है तुम लोग सोचते रह जाओगे क्या हो रहा है, बिकॉज इट इज नॉट ए लेयर टू बस था डायोड में, ऐसा कुछ नहीं। अभी डायोड को बर्न कर रहे हैं, डायोड को बर्न होने से भी बचा रहे हैं। जीना डायोड तो पढ़े हो तुम लोग, जीना डायोड पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो, जीना डायोड तो सर ने पढ़ाया। जीना डायोड ब्रेकडाउन होने के बाद थोड़ी देर रिवर्स में वर्क करता है ना, हेलो, जीनर डायोड ब्रेकडाउन होने के बाद थोड़ी देर तक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह आपका क्या करता है, वर्क करता है। कैसे वर्क करता है जरा मुझे बताओ, कैसे वर्क करता है वो, बर्नआउट क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पर आप क्या करते हैं, ब्रेकडाउन कराने के बाद करंट को लिमिट करते हैं एक रेंज पे, नी करंट और मैक्सिमम जीनर करंट के बराबर अगर करंट फ्लो कराएंगे ब्रेकडाउन करना है। ब्रेकडाउन होने के बाद जीनर डायोड से जो करंट फ्लो करेगा, अगर वो आपका मिनिमम जीनर करंट और मैक्सिमम जीनर करंट, मिनिमम जीनर करंट को नी करंट बोलते हैं, नी करंट और मैक्सिमम जीनर करंट के बीच में अगर करंट फ्लो करेगा, तो अगर रिवर्स डैश में ब्रेकडाउन होते समय वोल्टेज ज्यादा होता है, करंट को आपने लिमिट कर दिया, तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। और पावर लॉस अगर लिमिट हो जाएगा, पावर लॉस होने से उसका टेम्परेचर लिमिट, अगर टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो डिवाइस बर्नआउट नहीं होगी। लेकिन डायोड में क्या था, जब ब्रेकडाउन हुआ तो इमीडिएटली वोल्टेज इज वेरी वेरी हाई एंड करंट इन द रिवर्स डायरेक्शन इज वेरी वेरी हाई, तो पावर लॉस अक्रॉस द डिवाइस इज वेरी वेरी हाई, जिसकी वजह से आपके जब आपके डायोड का जो टेम्परेचर था उसके क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ गया, डिवाइस इमीडिएटली बर्नआउट है। लेकिन जीना डायोड में ऐसा नहीं किया था, अभी मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा ध्यान देखिएगा। दैट इज दिस इज ए पीएन जंक्शन डायोड, समझने की कोशिश करिए तभी समझ में आएगा। मैं इसको रिवर्स बायस कर रहा हूं, डायोड को मैं रिवर्स बायस कर रहा हूं, पहले समझो, दिस इज रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब दैट इज कैथोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू एनोड। ठीक है, नाउ जंक्शन मेरा हो गया रिवर्स बायस, जंक्शन इज ए रिवर्स बायस। रिवर्स बायस आते ही डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि दोनों साइड डोपिंग सेम है, तो आपका विड्थ ऑफ द डिप्लीशन दोनों साइड क्या रहेगी, सेम होगी। चलो मैं करैक्टरिस्टिक बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, रिवर्स में करैक्टरिस्टिक बना रहा हूं, वीआई करैक्टरिस्टिक लेकिन रिवर्स डायरेक्शन। दिस इज डायोड करंट, डायोड का वोल्टेज इसको एनोड टू कैथोड वोल्टेज, एनोड से कैथोड वोल्टेज ही डायोड वोल्टेज होता है। ठीक है, डायोड वोल्टेज, ठीक है। Now, anode is made negative respect to cathode. जैसे आप anode is made negative respect to क्या करेंगे? Cathode करेंगे। PN junction diode reverse bias हो जाएगा, depletion layer create हो जाएगी, जिसकी वजह से minority charge carrier pass करेगा। Due to the minority charge carrier,
आपका एन से पी की तरफ रिवर्स डायरेक्शन, एन से पी डिवाइस के लिए कैसे कंडक्शन है, कैथोड से एनोड रिवर्स कंडक्शन, डिवाइस के लिए रिवर्स कंडक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में वेरी वेरी स्मॉल करंट पास। जैसे जैसे ध्यान देखिए, जैसे जैसे मैं इस रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे जंक्शन के अक्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता जाएगा, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाएगी, आपके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो रिवर्स डायरेक्शन में जो करंट है वो क्या होता जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में करंट भी इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, चलो जैसे जैसे मैं, अच्छा चूंकि डिवाइस ब्लॉक कर रही है तो आप देखेंगे चूंकि वेरी वेरी स्मॉल करंट पास कर, तो रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस इज वेरी वेरी हाई, तो जितना भी आप वोल्टेज अप्लाई करो डिवाइस के क्रॉस आ रहा है रिवर्स वोल्टेज। अगर डिवाइस के क्रॉस, डिवाइस ओपन सर्किट में बिहेव करे, डिवाइस ओपन सर्किट, तो जितना भी वोल्टेज अप्लाई करो डिवाइस के क्रॉस आ रहा है या फिर एनोड टू कैथोड वोल्टेज, लेकिन रिवर्स वोल्टेज आ रहा है, दिस इज एनोड टू कैथोड वोल्टेज की वैल्यू निगेटिव आएगी, प्लस इज कनेक्टेड टू माइनस, माइनस इज कनेक्टेड टू प्लस, तो वोल्टेज भी निगेटिव करंट भी निगेटिव। जैसे जैसे ध्यान से देखें, जैसे जैसे आप जो है रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, रिवर्स वोल्टेज या फिर एनोड टू कैथोड वोल्टेज, एनोड टू कैथोड निगेटिव है, निगेटिव मतलब रिवर्स वोल्टेज, जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे आपका जो है ड्रिफ्ट ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे, आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से रिवर्स डायरेक्शन में लीकेज करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नाउ दिस इज द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, दिस इज VBR, दिस इज द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो कि लगभग कितना होता है पीएन जंक्शन डायोड में 50 वोल्ट के आसपास होता है। कितना वोल्ट, 50 वोल्ट। ध्यान सुनिएगा, जैसे जैसे मैं अपने रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते, जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते आपके डायोड के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर ले जाऊं, तो आपके जंक्शन के क्रॉस कौन सी फील्ड डेवलप होती थी, आपके जंक्शन के एक क्रॉस एक क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती थी, ब्रेकडाउन वोल्टेज पे माइनॉरिटी चार्ज, जिसकी वजह से सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड आपके डिप्लीशन लेयर में क्या हो जाते थे, ब्रेक हो जाते, जिसकी वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन काफी तेजी से बढ़ जाता है, सारे बॉन्ड ब्रेक हो गए तो करंट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी हाई, डिवाइस रिवर्स है तो माइनॉरिटी चार्ज के डिवाइस पास कर, जिसकी वजह से रिवर्स डायरेक्शन में वेरी वेरी हाई करंट क्या करेगा, पास करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ब्रेकडाउन होगा रिवर्स डायरेक्शन में आपका वेरी वेरी हाई करंट क्या करेगा, पास करेगा, वेरी वेरी करंट इज वेरी वेरी हाई, ध्यान रखिए करंट इज वेरी वेरी हाई इन द रिवर्स डायरेक्शन ड्यू टू द वेरी वेरी हाई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस इज आल्सो वेरी वेरी हाई, वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस इज वेरी वेरी हाई, करंट थ्रू द डिवाइस इज वेरी वेरी हाई, तो पावर लॉस अक्रॉस द डिवाइस इज वेरी वेरी, पावर लॉस आपके डिवाइस के अक्रॉस या फिर जंक्शन में बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इमीडिएटली टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से बढ़ती इमीडिएटली डिवाइस क्या हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा। लेकिन ध्यान सुनिए, अगर जो है मान लो जिस समय ब्रेकडाउन हुआ, अच्छा बताइए यहाँ कहीं हीट वीट सिंक लगा होता है क्या, पीएन जंक्शन डायोड 75 पैसे का आता है, हीट सिंक लगा होता है क्या, हीट सिंक लगा होता है क्या, नहीं। अब जरा ध्यान सुनो, इस पीएन जंक्शन डायोड को मैं रिवर्स कंडक्शन मोड में लेके जा सकता हूं, ध्यान सुनिएगा जरा, अगर मान लो यहां मैं हीट सिंक लगा दूं, ध्यान से सुनना, मान लो इस जंक्शन के क्रॉस मैंने क्या लगा दिया, हीट सिंक लगा दिया, हीट सिंक क्या लगा दिया, हीट सिंक, ध्यान सुनो, हीट सिंक, दो तीन तरीके बता रहा हूं, ध्यान सुनिए, यहां हीट सिंक लगा दिया, ध्यान से देखो मैंने हीट सिंक लगा दिया, हीट सिंक का काम है कि जब भी पावर लॉस होगा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, डिवाइस को कूल करेगा, उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, ध्यान सुनो, पीएन जंक्शन डायोड में अगर मैं हीट सिंक नहीं लगा होता था, तो जैसे ही ब्रेकडाउन होता था रिवर्स डायरेक्शन में वेरी वेरी हाई करंट पास करता था, वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस इज वेरी वेरी हाई, करंट थ्रू द डिवाइस इज वेरी वेरी हाई इन द रिवर्स डायरेक्शन, वोल्टेज आपका जो है वोल्टेज इज वेरी वेरी, करंट इज वेरी वेरी, तो पावर लॉस अक्रॉस द डिवाइस इज वेरी वेरी, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर सडनली बढ़ेगा, और सडनली बढ़ने के बाद उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, डिवाइस इमीडिएटली क्या हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर मैं पीएन जंक्शन में हीट सिंक लगा देता, तो जब ब्रेकडाउन होता तो रिवर्स डायरेक्शन में वेरी वेरी हाई करंट पास करता, वोल्टेज भी आपका बहुत ज्यादा होता, जिसकी वजह से पावर लॉस होता, जब पावर लॉस होता तो टेम्परेचर बढ़ता, लेकिन हीट सिंक लगा है ना, हीट सिंक लगा, अगर ये हीट सिंक उस पावर को एब्जॉर्ब कर लेता तो क्या जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ पाता क्या, जंक्शन का टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता। अगर मैं हीट सिंक लगा देता तो जब ब्रेकडाउन होता तो करंट इन द रिवर्स डायरेक्शन इज वेरी वेरी हाई,
वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस इज वेरी वेरी हाई, तो पावर लॉस अक्रॉस द ब्रेकडाउन के समय पावर लॉस बहुत ज्यादा होगा, पावर लॉस की वजह से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट कर, लेकिन हीट सिंक लगा रखा है ना, हीट सिंक क्या करेगा उस पावर लॉस को एब्जॉर्ब कर लेगा, पावर लॉस को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या उसका टेम्परेचर बढ़ पाएगा क्या, नहीं बढ़ पाएगा। और मान लो आपका जो हीट सिंक है हमने ऐसा लगाया कि इसका टेम्परेचर इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ना बढ़ पाए, तो क्या डिवाइस बर्नआउट होगी, बर्नआउट होगी क्या, बर्नआउट नहीं होगी, बर्नआउट नहीं होगी तो आपका जो डिवाइस है रिवर्स डायरेक्शन में किस मोड में, बर्नआउट नहीं होगी, किस मोड में पहुंच जाएगी, ये स्विच है ध्यान से देखिए, जैसे ही ब्रेकडाउन होगा तो रिवर्स डायरेक्शन में करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, करंट आपका क्या करेगा वेरी वेरी हाई करंट पास करेगा, जिसकी वजह से पावर लॉस, अभी डिवाइस कैसे बिहेव करती है, ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगी, ओपन स्विच, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ रिवर्स में वेरी वेरी हाई करंट, वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर डिवाइस से करंट बहुत ज्यादा पास करेगा तो डिवाइस अपने रेजिस्टेंस को कम करेगी, रेजिस्टेंस को अगर कम करेगी तो डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, मतलब ये स्विच क्लोज होना चालू होगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, हीट सिंक लगाया नहीं था, तो जैसे ही आपका जो है ह्यूज करंट पास करेगा, वोल्टेज इज वेरी वेरी हाई, करंट इज वेरी वेरी, तो पावर लॉस बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर सडनली क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, डिवाइस बर्नआउट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं हीट सिंक लगा देता तो जब ब्रेकडाउन होता तो वोल्टेज इज हाई, करंट इज वेरी वेरी हाई, तो पावर लॉस क्या होता, ब्रेकडाउन होती पावर लॉस बहुत ज्यादा, लेकिन हीट सिंक उस पावर को एब्जॉर्ब कर लेता तो आपका जो टेम्परेचर होता क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता, ठीक है। अब क्या होता है, चूंकि करंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो डिवाइस अपने रेजिस्टेंस को क्या करती, कम करती, तो डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज कम होता, मतलब स्विच क्लोज हो रहा होता, स्विच क्लोज होता। अगर आपका जो है हीट सिंक प्रॉपरली वर्क करे, उस हीट को बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब करता जाए, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ पाए, तो ये स्विच थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और डिवाइस किस मोड में पहुंच जाएगी, तो आप स्विच क्लोज होते ही आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, धीमे धीमे 50 वोल्ट से क्या होता जाएगा कम, जैसे जैसे स्विच क्लोज होता जाएगा वोल्टेज, जब डिवाइस कंडक्शन मोड में जाती है तो करंट बढ़ता है और वोल्टेज कम होता है, और जब डिवाइस ऑन हो जाती है तो स्विच क्लोज हो जाता है, वोल्टेज लगभग जीरो हो जाता है, तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो जाता है, तो पावर लॉस आपका क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब डिवाइस ऑन होती है तो स्विच आपका क्लोज होना स्टार्ट होता है, लेकिन क्लोज होते समय आप देखेंगे वोल्टेज ही जाए, करंट ही जाए, तो पावर लॉस वेरी वेरी, ऑन होते समय जब ये ऑन होगा तो वोल्टेज कम होता जाएगा, लेकिन अगर करंट हाई है वोल्टेज हाई है तो इमीडिएटली पावर लॉस काफी ज्यादा होगा, और पावर लॉस की वजह से अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो डिवाइस बर्नआउट हो जाएगी। लेकिन अगर हीट सिंक लगा दूंगा तो जब आपका जब आपका ब्रेकडाउन हुआ तो पावर लॉस बहुत ज्यादा होगा, हीट सिंक उस पावर को अगर एब्जॉर्ब कर ले तो डिवाइस का टेम्परेचर आपका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, तो स्विच क्लोज होना स्टार्ट होगा, वोल्टेज कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और अगर डिवाइस बर्नआउट नहीं होगा तो डिवाइस कंडक्शन मोड में, थोड़ी देर के बाद स्विच क्लोज हो जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वोल्टेज जीरो करंट ही जाए, लेकिन वोल्टेज जीरो तो पावर लॉस जीरो होता जाएगा, जब स्विच क्लोज होता है तो पावर लॉस कम होता जाता है, लेकिन अगर हीट सिंक लगा देंगे तो पावर लॉस जब होगा तो टेम्परेचर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा तो डिवाइस आपकी क्या होगी, रिवर्स में तो कंडक्ट करना स्टार्ट, लेकिन कंडक्शन मोड में पहुंचने से पहले ही डायोड क्या हो जाता, बर्नआउट। लेकिन अगर मैं हीट सिंक लगा देता तो जब ब्रेकडाउन होगा तो पावर लॉस काफी ज्यादा होगा, हीट सिंक अगर उस पावर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, आपका हीट सिंक ऐसा लगाओ कि पावर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और आपका जो है जो टेम्परेचर है डिवाइस का क्रिटिकल टेम्परेचर ना बढ़ पाए, तो डिवाइस बर्नआउट नहीं होगी, धीमे धीमे आपका जो है डिवाइस क्या होगी, डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज कम होना स्टार्ट होगा और डिवाइस रिवर्स में कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगी, लेकिन हीट सिंक लगा नहीं होता इसलिए डायोड बर्नआउट हो जाता है, ठीक है। दूसरा आप देखो, या फिर आप देखेंगे जीना डायोड में क्या होता है, जीना डायोड में ध्यान सुनिए, जीना डायोड में क्या होता है, जीना डायोड में जब आपका ब्रेकडाउन होता है तो मैं अपने करंट को क्या करता हूँ, लिमिट करता हूँ, हाई करंट फ्लो नहीं कराता, करंट को लिमिट करता हूँ, करंट को मैं लिमिट, वहां पर भी हीट सिंक नहीं लगा होता, लेकिन आप क्या करते हैं करंट को लिमिट करते हैं, ब्रेकडाउन के समय करंट को लिमिट करते हैं, एक रजिस्टर लगा,
क्या लगा के रजिस्टर। और करंट को अगर आप जो है मिनिमम जीनर करंट और मैक्सिमम जीनर करंट के बीच में रखें, जब ब्रेकडाउन हुआ तो करंट अगर इस रेंज में होगा तो वोल्टेज इज हाई, करंट अगर इस रेंज पे है तो आपका ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है। हेलो, तो आप देखेंगे कि जीनर के जब ब्रेकडाउन होता है तो करंट को मैं लिमिट करता हूं, करंट को अगर मैं इस रेंज में लिमिट करूंगा तो वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट पावर लॉस आपका लिमिट में होगा, और ये पावर लॉस इतना होगा कि आपकी डिवाइस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए डिवाइस नहीं होती। लेकिन अगर करंट आपका जीनर डायोड में मैक्सिमम जीनर करंट से ज्यादा बढ़ जाएगा तो वोल्टेज इज हाई, करंट इज हाई, जिसकी वजह से पावर लॉस इतना होगा कि टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इमीडिएटली जीनर डायोड भी क्या हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा। तो आपको देखना है कि अगर आप डिवाइस को रिवर्स में कंडक्ट कराना चाहते हैं तो आपको हीट को क्या करना पड़ेगा, हीट को एक लिमिट पे जो है जनरेट करना पड़ेगा, और हीट को लिमिट करने के लिए या तो आप करंट को लिमिट करो या फिर आप हीट सिंक लगाओ। हीट सिंक लगाओगे तो जब पावर लॉस होगा तो हीट सिंक उस पावर लॉस को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से जंक्शन का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नहीं बढ़ना चाहिए। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो डिवाइस आपकी रिवर्स में कंडक्शन मोड में पहुंच जाएगी। लेकिन आपके पीएन जंक्शन डायोड में ऐसा होता नहीं था, पीएन जंक्शन डायोड में कुछ हीट सिंक लगा ही नहीं होता था, तो जैसे ही आपका ब्रेक डिप्लीशन लेयर के पास ब्रेकडाउन होता था तो वोल्टेज इज वेरी वेरी हाई, करंट इज वेरी वेरी हाई, पावर लॉस अक्रॉस द डिवाइस इज वेरी वेरी हाई, जिसकी वजह से आपकी डिवाइस का जो टेम्परेचर है उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से बढ़ जाता था, डिवाइस इमीडिएटली क्या हो जाती थी, बर्नआउट हो जाती थी। लेकिन ऐसा आपका जो है एससीआर में होगा नहीं। एससीआर में क्या लगा होता है, हीट सिंक लगा होता है। मैंने बताया था जितनी भी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है उनमें एन माइनस लेयर होती है, जिसकी वजह से सारी की सारी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस में क्या लगाते हैं, हीट सिंक लगाते हैं। हीट सिंक किस जंक्शन के क्रॉस लगा होता है, J2 जंक्शन के क्रॉस लगा होता है। तो जब J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन होगा तो J2 जंक्शन रिवर्स में क्या करेगा, कंडक्शन क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। लेकिन कंडक्शन वोल्टेज इज वेरी वेरी हाई, 800 वोल्ट पे ब्रेकडाउन होगा, करंट इज वेरी वेरी हाई, तो 800 मल्टीप्लाइड बाय करंट पावर लॉस काफी ज्यादा होगा। हीट सिंक उस पावर को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से J2 जंक्शन का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं बढ़ जाएगा, तो डिवाइस रिवर्स में कंडक्ट करती रहेगी। और जब डिवाइस रिवर्स में कंडक्ट करती रहेगी तो आप देखेंगे कि J2 जंक्शन भी कंडक्शन मोड में आ जाएगा, J1 J3 तो पहले से कंडक्शन मोड में थे, तीनों जंक्शन कंडक्शन मोड में होंगे। अगर डिवाइस से ह्यूज करंट पास करेगा तो डिवाइस अपने रेजिस्टेंस को कम करेंगे, रेजिस्टेंस कम होगी तो डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज भी कम होना स्टार्ट होगा, मतलब डिवाइस का स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज। और थोड़ी देर बाद अगर डिवाइस कंडक्ट करती रहेगी तो वोल्टेज कम होता जाएगा, वोल्टेज अगर कम होता जाएगा डिवाइस के क्रॉस तो आपका पावर लॉस भी कम होता जाएगा, पावर लॉस थोड़ी देर बाद जब डिवाइस कंडक्शन मोड में चली जाएगी तो पावर लॉस कितना हो जाएगा, जीरो। डिवाइस आपकी रिवर्स में या फिर आपका J2 जंक्शन रिवर्स में कंडक्शन करता रहेगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, लेकिन अभी मैं बताऊंगा दिक्कत क्या होने वाली है। अगर हीट सिंक प्रॉपरली वर्क नहीं किया, हीट सिंक ने अगर अच्छे से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं किया और J2 जंक्शन का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ गया तो J2 जंक्शन के क्रॉस डिवाइस क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, परमानेंटली डैमेज हो जाएगी, ठीक है। वी विल डिस्कस, चलो तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे बिना गेट सिग्नल अप्लाई किए हुए SCR को कैसे टर्न ऑन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, नाउ आई कैन बी मेक द फिगर, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए, बिना गेट सिग्नल दिए हुए SCR को मैं क्या करने जा रहा हूं, टर्न ऑन करने जा रहा हूं। नाउ दिस इज द फिगर ऑफ द SCR, दिस इज, अच्छा किस मोड में लेके जा रहे हो तुम लोग, किस मोड में, फॉरवर्ड कंडक्शन। फॉरवर्ड का मतलब है एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड, लेकिन अभी गेट सिग्नल नहीं, बिना गेट सिग्नल दिए हुए मैं टर्न ऑन करने जा रहा हूं, ठीक है। चलो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, दिस इज SCR, SCR फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लेके जा रहा हूं, दिस इज P प्लस N माइनस P एंड दिस इज N प्लस, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड,
नाउ दिस इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ध्यान से देखिएगा. नाउ दिस इज लोड. नाउ फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करना मीन्स एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड. फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई, दिस इज एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड. लेकिन अभी गेट सिग्नल नहीं देना, गेट को स्विच को मैं ओपन करने रहा हूं. अभी मैं गेट के स्विच को ओपन कर रहा हूं. दिस इज लोड, रजिस्टिव लोड लिया हुआ है. दिस इज गेट, गेट से कोई भी सिग्नल नहीं दे रहा हूं. VGG, now this is J1 junction, this is J2 junction, this is J3 junction, ठीक है. Now जैसी आप एनोड, हेलो, जैसी आप एनोड इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड करेंगे, J1 junction कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस. J2 जंक्शन कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस. और J3 जंक्शन कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड. J2 जंक्शन रिवर्स बायस होते ही J2 जंक्शन के क्रॉस डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाएगी. J2 जंक्शन के क्रॉस डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाएगी, या फिर ये आपका ओपन सर्किट तक क्या करेगा, बिहेव करेगा. तो जो भी फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज है वो डिवाइस के क्रॉस अपियर होगा या फिर J2 जंक्शन के क्रॉस अपियर होगा, ठीक है. तो ऑल द फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज डिवाइस के क्रॉस, एनोड टू कैथोड के क्रॉस दिखाई देगा. एनोड टू कैथोड वोल्टेज इक्वल टू फॉरवर्ड वोल्टेज, या फिर किस जंक्शन के क्रॉस दिखाई देगा, J2 जंक्शन के क्रॉस. ये फॉरवर्ड वोल्टेज J2 जंक्शन को रिवर्स बायस कर रहा है, रिवर्स बायस वोल्टेज की तरह आपका एक्ट कर रहा है. फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं डिवाइस के क्रॉस, लेकिन J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज की तरह बिहेव कर रहा है. J2 जंक्शन के क्रॉस ये रिवर्स बायस वोल्टेज की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है. चलो ध्यान से देखिएगा. अब मैं क्या करूं, बिना गेट सिग्नल दिए टर्न ऑन करूं, तो मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे मैं फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाता जाऊं, ध्यान से देखिए, जैसे अच्छा फॉरवर्ड वोल्टेज बोलिए या फिर NO2, ये तो फॉरवर्ड वोल्टेज है, वो डिवाइस के क्रॉस आ रहा है. डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज का NO2 कैथोड वोल्टेज. जैसे आप अपने फॉरवर्ड वोल्टेज, ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे आप अपने फॉरवर्ड वोल्टेज जैसे जैसे आप अपने फॉरवर्ड वोल्टेज या फिर एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा. J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ेगा तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या होगी, बढ़ेगी. विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या होगी, बढ़ेगी, जिसकी वजह से J2 जंक्शन से माइनॉरिटी चार्ज के लिए पास करेंगे और J2 जंक्शन रिवर्स डायरेक्शन में क्या करेगा, कंडक्ट करेगा. J2 जंक्शन का रिवर्स कंडक्शन डिवाइस के लिए कैसा कंडक्शन है, फॉरवर्ड कंडक्शन है, ठीक है. सेम, दिस इज फॉरवर्ड कंडक्शन फॉर द डिवाइस. जैसे जैसे आप जो है अपने एनोड टू कैथोड वोल्टेज, जैसे जैसे आप एनोड टू कैथोड वोल्टेज या फिर फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या होती जा रही है बेटा, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आपका J2 जंक्शन से लीकेज करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. और या फिर आप बोल सकते हैं डिवाइस से J2 जंक्शन का रिवर्स कंडक्शन डिवाइस के लिए फॉरवर्ड कंडक्शन. रिवर्स कंडक्शन N से P, ये रिवर्स कंडक्शन है लेकिन डिवाइस के लिए फॉरवर्ड कंडक्शन है, ठीक है. अब जब आप अपने एनोड टू कैथोड वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, हेलो, फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, और फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाने का मतलब एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाते बढ़ाते मतलब J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज. और बेटा जब ये आपका एनोड टू कैथोड वोल्टेज या फिर फॉरवर्ड वोल्टेज J2 जंक्शन के ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर पहुंच जाएगा, J2 जंक्शन के ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर पहुंच जाएगा, तो J2 जंक्शन के क्रॉस क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है. तो ध्यान से देखिए, J2 जंक्शन का ब्रेकडाउन वोल्टेज 800 वोल्ट के आसपास होता है. मैं लिख रहा हूं, जैसे जैसे
आप अपने फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। फॉरवर्ड वोल्टेज ही आपका एनोड टू कैथोड वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज ही आपका एनोड टू कैथोड वोल्टेज। जैसे जैसे आप अपने फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं या फिर एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एनोड टू कैथोड वोल्टेज ही आपका J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ रहा है, मतलब J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ रहा है। जब ये आपका फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज या फिर एनोड टू कैथोड वोल्टेज या फिर J2 जंक्शन का रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ते 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 J2 जंक्शन के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर पहुंच जाएगा, ठीक है, J2 जंक्शन के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर पहुंच जाएगा। तो J2 जंक्शन के क्रॉस क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब आपका J2 जंक्शन के क्रॉस जो डिप्लीशन लेयर है उसमें क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, सारे सारे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे, जिसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन काफी तेजी से, माइनॉरिटी चार्ज के बहुत ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से रिवर्स डायरेक्शन में J2 जंक्शन में रिवर्स क्या है, N से P की तरफ वेरी वेरी हाई करंट फ्लो करेगा, वेरी वेरी हाई करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है, J2 जंक्शन से वेरी वेरी हाई करंट। और आप देखेंगे सीरीज में लगे जितना करंट आपका J2 जंक्शन से पास करेगा उतना करंट J1 और J3 जंक्शन से पास करेगा, ठीक है, J3 J2 जंक्शन रिवर्स में क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। लेकिन आप देखें आपका जिस समय ब्रेकडाउन होगा तो J2 जंक्शन से वेरी वेरी हाई करंट पास करेगा और डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 800 वोल्ट होगा, वोल्टेज इज वेरी वेरी हाई, करंट इज वेरी वेरी हाई, जिसकी वजह से J2 जंक्शन के क्रॉस पावर लॉस कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा, पावर लॉस इज वेरी वेरी हाई। तो अगर आप देखेंगे पावर लॉस ज्यादा होगा, अगर पावर लॉस बहुत ज्यादा है तो J2 जंक्शन का टेम्परेचर अगर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से बढ़ गया तो J2 जंक्शन क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तब क्या करेंगे, जैसे ही आपका ब्रेकडाउन होगा तो इमीडिएटली पावर लॉस काफी ज्यादा होगा, वोल्टेज इज वेरी वेरी हाई, करंट इज वेरी वेरी हाई, तो पावर लॉस, इस पावर लॉस को जो है मुझे लिमिट करना है, इस पावर लॉस की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ा उसको रोकना है। तो इसलिए आपके SCR में J2 जंक्शन के क्रॉस कहां पर हीट सिंक लगा होता है, J2 जंक्शन के क्रॉस क्या लगा होता है, हीट सिंक लगा होता है, दिस इज ए हीट सिंक, ध्यान से देखिए क्या लगा होता है, हीट सिंक लगा होता है, हीट सिंक लगा होता है, क्या लगा होता है, हीट सिंक लगा होता है, ठीक है, हीट सिंक विल बी देयर। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप जो है अपने J2 जंक्शन के क्रॉस या फिर अपने फॉरवर्ड वोल्टेज या फिर एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते J2 जंक्शन के आपके ब्रेकडाउन रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर कर देंगे जो कि 800 वोल्ट है, उस समय J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन, जिसकी वजह से J2 जंक्शन से रिवर्स डायरेक्शन में वेरी वेरी हाई करंट पास करेगा, क्योंकि वोल्टेज इज वेरी वेरी हाई, करंट इज वेरी वेरी, पावर लॉस काफी ज्यादा होगा, पावर लॉस ज्यादा होगा, लेकिन हीट सिंक क्या करेगा, इस पावर लॉस को बड़ी आसानी से क्या कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा, जिसकी वजह से J2 जंक्शन का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या नहीं होगा, बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है, और J2 जंक्शन आपका डैमेज नहीं होगा। तो आप देखेंगे J2 जंक्शन रिवर्स में कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, जितना चार्ज आपका J2 जंक्शन से पास करेगा उतना ही J1 J3 से, तो आप देखेंगे ओवरऑल डिवाइस से वेरी वेरी हाई करंट क्या करेगा, पास करेगा, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर डिवाइस से वेरी वेरी हाई करंट आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में पास करेगा तो डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा कम, करंट इज हाई तो रेजिस्टेंस इज लो, रेजिस्टेंस इज लो तो इमीडिएटली अगर मैं वोल्टेज, यहां पर वोल्टेज बहुत कम आएगा और आपका सारा वोल्टेज कहां दिखेगा, लोड के क्रॉस दिखेगा, और अगर वोल्टेज लोड के क्रॉस दिखाई दे तो डिवाइस क्या, कंडक्शन मोड में, तो ये स्विच कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर आप ऐसा बोल सकते हैं ब्रेकडाउन होते ही आप देखेंगे पावर लॉस होगा, पावर लॉस जो होगा उसकी वजह से जो हीट डेवलप होगी, हीट सिंक उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से जंक्शन डैमेज नहीं होगा, ये जंक्शन J2 जंक्शन रिवर्स में कंडक्ट करने लगे, ये आपका जंक्शन कंडक्शन मोड में, J1 और J3 जंक्शन आपके पहले से कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, ये तो पहले शॉर्ट सर्किट है, अब ये भी क्या हो जाएगा, दैट इज शॉर्ट सर्किट, रिवर्स में कंडक्ट करने, तीनों जंक्शन कंडक्शन मोड में आ जाएंगे, लेकिन J2 जंक्शन रिवर्स में कंडक्ट कर रहा है, J2 जंक्शन का रिवर्स कंडक्शन डिवाइस के लिए कैसा कंडक्शन है, फॉरवर्ड कंडक्शन है, तो तीनों के तीनों जंक्शन कंडक्शन मोड में है, तीनों के तीनों जंक्शन अगर कंडक्शन मोड, जब भी कोई स्विच कंडक्शन मोड में होता है तो क्लोज हुई, तो तीनों के तीनों जो है अगर जंक्शन कंडक्शन मोड में आ जाएंगे, J1 और J3 फॉरवर्ड कंडक्शन में है और J2 रिवर्स कंडक्शन में है,
तीनों के तीनों जंक्शन कंडक्शन मोड में है, तो तीनों के तीनों स्विच अगर कंडक्शन मोड में है तो डिवाइस में वेरी वेरी हाई करंट पास करेगा, अगर हाई करंट पास करे तो डिवाइस वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, और स्मॉल रेजिस्टेंस पर डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज बहुत कम होगा, सारा सारा वोल्टेज लोड के क्रॉस होगा, अगर डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज बहुत कम है, सारा सारा वोल्टेज लोड के क्रॉस और डिवाइस कंडक्शन, तो आप इसको क्या मान सकते हैं, क्लोज स्विच की तरह मान सकते हैं, दिस इज द क्लोज स्विच, या फिर तीनों के तीनों जंक्शन आपके कंडक्शन मोड में है तो तीनों के तीनों जंक्शन क्लोज होंगे, तो डिवाइस भी एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा, डिवाइस क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगी तो आइडियली वोल्टेज कितना होगा, जीरो, एंड करंट थ्रू द डिवाइस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन वेरी वेरी, तो जैसे ही डिवाइस कंडक्शन मोड में जाती है, जैसे ही कोई स्विच कंडक्शन मोड में जाता है तो वोल्टेज इमीडिएटली कम होता है, अरे करंट थ्रू द डिवाइस इज वेरी वेरी हाई, तो जैसे ही डिवाइस आपका जे टू जंक्शन के क्रॉस ब्रेक डाउन होगा, डे टू जंक्शन आपका रिवर्स में कंडक्ट करने लगेगा, डैमेज नहीं होगा, हीट सिंक लगा हुआ है, डैमेज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि या जो भी पावर लॉस होगा वो हीट सिंक उस पावर लॉस को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो जे टू जंक्शन रिवर्स में कंडक्ट किया, जे वन और जे थ्री पहले से कंडक्शन मोड में, तीनों जंक्शन कंडक्शन मोड में, स्विच क्लोज हो गया, स्विच क्लोज हो गया तो वोल्टेज इमीडिएटली जो 800 दिख रहा था ना, इमीडिएटली वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आइडियली जीरो हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टिव ड्रॉप होगा, जिसकी वजह से आपका 2 से 3 वोल्ट आपका ड्रॉप होगा, आपके एससीआर के क्रॉस सारा सारा वोल्टेज कहां दिखेगा, लोड के क्रॉस दिखेगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं दैट इज जैसे जैसे आप अपने फॉरवर्ड वोल्टेज या फिर एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते जे टू जंक्शन के क्रॉस, जे टू जंक्शन के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर कर देंगे, या फिर आप बोलेंगे जब आप अपने एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते जे टू जंक्शन के रिवर्स ब्रेकडाउन के बराबर कर देंगे तो जे टू जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन हो जाएगा, या फिर आप बोलेंगे जो भी ये फॉरवर्ड वोल्टेज है वही आपका जे टू जंक्शन के क्रॉस कैसे अपीयर होगा, दैट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो फॉरवर्ड दैट इज उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जे टू जंक्शन के क्रॉस जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VBO, VBO, दिस इज कॉल्ड VBO इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड, हेलो, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, ध्यान से देखिए, हेलो, ध्यान से देखिए, मैंने इसको VBO क्यों लिखा है, VBO का मतलब क्या है, दैट इज ब्रेक ओवर वोल्टेज, दिस इज ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक है, यहां पर देखो ये फॉरवर्ड वोल्टेज ही J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन करा रहा है, क्योंकि ये फॉरवर्ड वोल्टेज ही J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज के बिहेवियर, तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ रहा है, क्योंकि ये फॉरवर्ड वोल्टेज ही J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज है, इस फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते जब 800 कर देंगे तब J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो इतना दैट इज जब मैं अपने फॉरवर्ड वोल्टेज या फिर एनोड कैथोड वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दूंगा, VBO, VBO इज कॉल्ड दैट इज फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन कराने के लिए कितना फॉरवर्ड, अच्छा डिवाइस के क्रॉस तो मैं फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करूंगा, वही तो J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन करा रहा है, कितना होता है 800 के आसपास होता है, तो दैट इज VBO इज कॉल्ड द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, इतना फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा डिवाइस के क्रॉस, तब आपका जो है क्या हो जाएगा J2 जंक्शन, VBO इज नथिंग बट VBO को बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर, इतना फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, VBO इज नथिंग बट इक्वल टू किसके बराबर होता है, दैट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज, दिस इज नथिंग बट द जब आप अपने एनोड टू कैथोड वोल्टेज फिर फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते VBO दैट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, दैट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर कर देंगे फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, दैट इज नथिंग, ये वोल्टेज क्या होता है, दिस इज द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या है, J2 जंक्शन, दिस इज नथिंग बट द, दिस इज द वोल्टेज रिक्वायर्ड, VBO इज नथिंग बट द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन, या फिर इस वोल्टेज पे J2 जंक्शन के क्रॉस क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज जो कि लगभग कितना होता है बेटा, दैट इज 800 के आसपास होता है, 800 वोल्ट, तो जब आप अपनी डिवाइस के क्रॉस VBO के बराबर फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, VBO, VBO दैट इज कॉल्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, जब अपनी अपनी डिवाइस के क्रॉस, जब आप अपनी डिवाइस के क्रॉस VBO, ये वो ब्रेक ओवर वोल्टेज है जो, ये वो फॉरवर्ड वोल्टेज है या फिर ये वो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है जिस पे J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन हो जाएगा जो कि 800 के आसपास है, दिस इज द,
इस वोल्टेज पे वीबीओ जब आप अपने फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर कर देंगे तब आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ब्रेकडाउन ऑकर्स अक्रॉस द J2 जंक्शन के अक्रॉस ब्रेकडाउन हो जाएगा, सो दैट J2 आपके किस, अगर J2 जंक्शन के अक्रॉस ब्रेकडाउन हो जाएगा तो J2 जंक्शन किस कंडक्शन, दैट इज रिवर्स कंडक्शन मोड में पहुंचेगा, सो दैट J2 जंक्शन इज स्टार्ट कंडक्टिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। हीट सिंक लगा है, टेम्परेचर बढ़ने देगा नहीं, तो J2 जंक्शन रिवर्स में कंडक्शन करेगा, जो कि डिवाइस के लिए कैसा कंडक्शन होगा, विच इज फॉर द डिवाइस इज एक्टिंग एज ए फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। J2 जंक्शन रिवर्स में कंडक्ट करना, हेलो J2 जंक्शन रिवर्स में कंडक्ट कर रहा है NCP, डिवाइस की कैसा कंडक्शन है, फॉरवर्ड कंडक्शन है, विच इज एक्टिंग फॉरवर्ड कंडक्शन फॉर द डिवाइस, जो कि डिवाइस के लिए फॉरवर्ड कंडक्शन की तरह काम करेगा, एंड डिवाइस इज कंडक्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड डिवाइस इज स्टार्ट कंडक्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, so that SCR will be turned on. अभी दिक्कत में बता रहा हूं क्या दिक्कत होने वाली है, अभी लिखते जाओ। वहां पर बेटा जो अभिषेक आप बोल रहे हैं कि वोल्टेज कम नहीं हो रहा था, क्योंकि जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ वैसे ही उसका टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ गया, तो वोल्टेज कम, पावर लॉस इतना ज्यादा था कि आपका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर सडनली बढ़ गया, तो वहां डैमेज हो गया। यहां पर क्या लगा है बेटा, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर जब आपका ब्रेकडाउन हुआ तो हीट सिंक लगा है, पावर लॉस काफी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जो हीट डेवलप होगी, हीट सिंक उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से बढ़ नहीं पाएगा, तो जो स्विच है वो क्लोज होता चला जाएगा, और जब ये क्लोज होता चला जाएगा तो वोल्टेज कम होता जाएगा, पावर लॉस कम होता जाएगा, और ये जब आपका कंडक्शन मोड में चला जाएगा, रिवर्स कंडक्शन मोड में चला जाएगा, तो पावर लॉस यहां भी चीज हो जाएगा। ठीक है अभिषेक, क्लियर है अभिषेक? वहां पर जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ वैसे ही पावर लॉस ज्यादा था, जिसकी वजह से टेम्परेचर सडनली आपका क्रिटिकल से बढ़ गया, लेकिन यहाँ हीट सिंक लगा, हीट सिंक जैसे ही पावर लॉस हुआ उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ नहीं पाया, तो आपका जो है जो जंक्शन है या फिर बर्न, आपका जंक्शन J2 बर्नआउट नहीं हुआ, तो आपका स्विच क्या होता गया, क्लोज होता चला गया, आपका जो है पावर लॉस हो रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है, पावर लॉस होता चला जा रहा है, ठीक है, पावर लॉस होता है, लेकिन हीट सिंक हीट को एब्जॉर्ब करता जा रहा है, जिसकी वजह से J2 जंक्शन बर्नआउट नहीं हो रहा, क्लोज होता है, और थोड़ी देर बाद J2 जंक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स में कंडक्शन मोड में प्रॉपरली पहुंच जाएगा, क्लियर है? और जैसे ही J2 जंक्शन प्रॉपरली पहुंच जाएगा तो ओवरऑल डिवाइस भी कंडक्शन मोड, J2 जंक्शन अगर रिवर्स कंडक्शन मोड तो डिवाइस फॉरवर्ड कंडक्शन मोड पर जाएगा, अब डिवाइस के क्रॉस, डिवाइस एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगी, तो डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज सडनली जीरो हो जाएगा, और आपके डिवाइस के क्रॉस थ्रू करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिस्प्ले साइज छोटा कर दिए, चलो मैं बड़ा कर देता हूं, पहले इसको बनाओ, पहले तुम लोग, फिर मैं बड़ा कर रहा हूं।
फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है कि इतना फॉरवर्ड, हेलो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर का मतलब क्या होता है, इतना फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा J2 जंक्शन के अक्रॉस ब्रेकडाउन कराने के। जब मैं अपने फॉरवर्ड वोल्टेज या फिर एनोड कैथोड वोल्टेज को VBO के बराबर कर दूंगा, VBO क्या है, वो फॉरवर्ड वोल्टेज जो J2 जंक्शन के अक्रॉस ब्रेकडाउन करा देगा। VBO क्या है, ये वो फॉरवर्ड वोल्टेज है जो J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन करा देगा, जो कि 800 के आसपास होता है। मतलब आप इसको मान सकते हैं J2 जंक्शन का रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है। मैं लिख भी देता हूं, दिस इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ J2 जंक्शन, दिस इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ J2 जंक्शन, जिसको हम VBR से नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज VBO, क्योंकि इतना फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन कराने के लिए। और इतना वोल्टेज जैसे ही आप अपने फॉरवर्ड वोल्टेज फिर एनोड कैथोड वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते 800 VBO के बराबर कर देंगे, J2 जंक्शन के क्रॉस क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। और J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन होते ही J2 जंक्शन रिवर्स में कंडक्शन करना स्टार्ट करेगा, बिकॉज वोल्टेज इज वेरी वेरी हाई, करंट इज वेरी वेरी हाई, पावर लॉस इज वेरी वेरी, बट हीट सिंक उस पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये जंक्शन डैमेज नहीं हुआ, बर्नआउट नहीं हुआ, हीट सिंक लगा होता है, तो ये रिवर्स में कंडक्ट करना स्टार्ट रखेगा, पावर लॉस होता रहेगा। अब ये स्विच क्लोज हो रहा है तो ये वोल्टेज कम होता जाएगा, पहले 800 था, फिर 700, फिर 600, फिर 800, पावर लॉस तब भी होता जाएगा, पावर लॉस लेकिन धीमे धीमे घटता जाएगा, हीट सिंक लगाया तो टेम्परेचर के चलते बढ़ नहीं रहा है, और थोड़ी देर बाद ही आपका रिवर्स कंडक्शन मोड में फुल्ली पहुंच जाएगा, ठीक है, फुल्ली पहुंच जाएगा। और जब ये फुल्ली पहुंच जाएगा तो ये तीनों जंक्शन क्या हो जाएंगे, कंडक्शन मोड में। अगर कोई जंक्शन कंडक्शन मोड में है तो कैसे ट्रीट किया जाता है, रिवर्स बायस जंक्शन की जगह कि फॉरवर्ड बायस। मैंने बोला कि अगर कोई जंक्शन कंडक्शन मोड में है तो कैसे जंक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है, फॉरवर्ड बायस जंक्शन की तरह कि रिवर्स बायस जंक्शन की तरह, फॉरवर्ड बायस की तरह, ठीक है। आपके आपके गेट में क्वेश्चन आया था 2012 में कि जब SCR कंडक्शन मोड में पहुंच जाता है तो तीनों जंक्शन कैसे बिहेव करते हैं, फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस, ये दोनों तो पहले से फॉरवर्ड बायस थे। जब SCR कंडक्शन मोड में होता है तो J2 जंक्शन कंडक्शन में पहुंच जाता है, रिवर्स कंडक्शन में पहुंच जाता है। अगर ये रिवर्स में कंडक्ट कर रहा है तो ये कैसे जंक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा, फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस। तो तीनों के तीनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव, अगर तीनों के तीनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव कर रहे हैं तो तीनों के जंक्शन तीनों तीनों जंक्शन क्लोज स्विच की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो ओवरऑल डिवाइस भी क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगी। और अगर डिवाइस क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगी, जब ये कंडक्शन मोड में होगी तो अगर ये क्लोज स्विच है तो करंट थ्रू द डिवाइस इज वेरी वेरी हाई एंड वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस इज वेरी वेरी स्मॉल। ये बताया था, कभी भी कोई डिवाइस अगर क्लोज स्विच करते तो आइडियली वोल्टेज जीरो होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वोल्टेज की वैल्यू कम होती है और करंट की वैल्यू ज्यादा होती है, बताया हुआ है ये, ठीक है। चलो अब इसको लिखो, ये जो नीचे मैंने लिखा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने लिखी हुई है, अभी मैं करैक्टरिस्टिक बनाने जा रहा हूं, क्योंकि हो गया, हो गया, अब देखो विजिबल है कि नहीं, शाम से मैं अंदर में पढ़ाऊंगा, अब यहां नहीं पढ़ाऊंगा कल से, ठीक है, परेशान ना हो। हो गया, इसको भी लिखो, हो गया। अब जरा देखो दिक्कत क्या है, ध्यान से देखो, आपने ऑन तो कर लिया, आपको लिख रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है। अब जरा दिक्कत समझो, क्या दिक्कत है, जब आप बिना गेट सिग्नल दिए ऑन करते हैं तो दिक्कत क्या है, ध्यान से देखिए,
हो गया हो तो मैं बताना स्टार्ट करूं, हो गया हो तो मैं बताना स्टार्ट करूं। चलिए आप जरा ध्यान से देखिए, जब आप बिना गेट सिग्नल दिए हुए, ध्यान सुनिए, जब आप बिना गेट सिग्नल दिए हुए, बिना गेट सिग्नल दिए एससीआर को ऑन करते हैं, तो J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेक डाउन कराने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, कितना वोल्टेज चाहिए, 800 वोल्ट चाहिए। कितना फॉरवर्ड वोल्टेज, कितना फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, 800 वोल्टेज। रुक जाओ, ठीक है, यहां पर देखो, जब आप बिना गेट सिग्नल दिए ऑन करते हैं तो J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेक डाउन कराने के लिए कितना फॉरवर्ड वोल्टेज है, 800 वोल्ट चाहिए। ध्यान सुनिएगा, ब्रेक डाउन कराने के लिए कितना, ध्यान सुनो, जब आप जो है बिना गेट सिग्नल दिए ऑन करते हैं तो J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेक डाउन कराने के लिए कितना वोल्ट है, 800 वोल्ट चाहिए। और जब ब्रेक डाउन होगा तो J2 जंक्शन रिवर्स में क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, वेरी वेरी हाई करंट क्या करेगा, पास करेगा। ठीक है, वोल्टेज इज वेरी वेरी हाई एंड करंट थ्रू द J2 जंक्शन इज वेरी वेरी हाई इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो पावर लॉस इज वेरी वेरी हाई अक्रॉस द J2 जंक्शन एट द टाइम ऑफ ब्रेक डाउन। जब J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेक डाउन होगा उस समय J2 जंक्शन के क्रॉस आपका पावर लॉस बहुत ज्यादा होगा। अगर जो हीट सिंक आपने लगा रखा, ध्यान सुनो, जो हीट सिंक आपने लगा रखा, अगर ये हीट सिंक प्रॉपरली वर्क है, अब देखिए पावर लॉस बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा हीट डेवलप, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट डेवलप होगी। एनालॉग डायोड में तो 50 वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्टेज इज वेरी वेरी लो तो हीट उतनी ज्यादा डेवलप नहीं, लेकिन उतनी हीट डेवलप हो जाती है, उसका टेम्परेचर क्रिटिकल से बढ़ जाता है। लेकिन एससीआर में क्या होगा, 800 वोल्ट पे ब्रेक डाउन होता है। जब J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेक डाउन होगा तो वोल्टेज इज वेरी वेरी हाई एंड करंट इन द रिवर्स डायरेक्शन इज आल्सो वेरी वेरी हाई, ठीक है, करंट इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो पावर लॉस अक्रॉस द J2 जंक्शन इज वेरी वेरी हाई। तो जिस समय ब्रेक डाउन होगा बिना गेट सिग्नल दिए हुए 800 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेक डाउन जब होगा तो पावर लॉस कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। अगर पावर लॉस बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा हीट डेवलप होगी। अगर ये हीट सिंक जो लगा रखा है वो प्रॉपरली वर्क नहीं किया, मतलब जिस रेट से हीट जनरेट हो रही है अगर उस रेट से वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो आपकी डिवाइस का टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाएगा। तुरंत आप देखेंगे अगर हीट जनरेट तेजी से हो रही है और ये हीट को उतनी तेजी से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा तो J2 जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और बढ़ते बढ़ते उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपकी डिवाइस क्या हो जाएगी, डैमेज। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जिस समय J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेक डाउन होगा तो बहुत ज्यादा पावर लॉस होगा। अगर ये हीट सिंक उस हीट को प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, मतलब उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, अगर वो टेम्परेचर इतना, जब हीट क्योंकि काफी ज्यादा है, अगर हीट सिंक उसको प्रॉपरली वर्क प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो हो सकता है डिवाइस का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या हो जाए, बढ़ जाए, और क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो डिवाइस J2 जंक्शन के क्रॉस हो जाएगी, बर्न आउट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज आपका मेन ड्रॉबैक कि जो आप हीट सिंक लगाते हैं। अब हीट सिंक लगाया है, जरूरी थोड़ा कि हीट सिंक आपका जो है इफेक्टिवली वर्क कर जाए हमेशा। ठीक है, एक बार आपने ऑन कर लिया, दो बार ऑन कर लिया, हमेशा जरूरी नहीं कि हीट सिंक आपका जो है हमेशा इफेक्टिवली वर्क करे। अगर किसी खुदा ना खास्ता आपका जो है जब ब्रेक डाउन हुआ तो पावर लॉस होगा, वेरी वेरी हाई पावर लॉस होता है, और हीट सिंक अगर उस पावर को अच्छे से एब्जॉर्ब ना कर पाया, क्योंकि आप देखेंगे जब आप एससीआर को वर्क कराते हैं तो एक्सपेंस, जब आप डिवाइस को मैन्युफैक्चर करते हैं तब तो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, लेकिन जरूरी है क्या कि आपका जो एससीआर आपने बनाया है उन्हें स्टैंडर्ड कंडीशन वर्क कर, मान लो आपने हैदराबाद में बनाया 27 डिग्री सेंटीग्रेड में लैब में टेम्परेचर करके बनाया, लेकिन वो आप जम्मू कश्मीर में उस एससीआर को क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में तो ऑपरेटिंग जो आपका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होगा वो तो अलग होगा, आपने एक्सपेरिमेंट या फिर उसको मैन्युफैक्चर किया स्टैंडर्ड टेम्परेचर में, लेकिन उसको आप वर्क करा रहे हैं डिफरेंट कंडीशन में, तो जरूरी थोड़ा है कि अगर लेबोरेटरी में हीट सिंक ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, डैमेज नहीं हुआ, लेकिन जो प्रैक्टिकल वर्किंग कंडीशन होती है वो आपकी मैन्युफैक्चर कंडीशन से अलग होती है। तो अगर आपका जो है, अगर आपने बिना गेट सिग्नल दिए हुए एससीआर को टर्न ऑन करने की कोशिश की तो जब J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेक डाउन होगा तो आपका 800 वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा, 800 फॉरवर्ड वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पावर लॉस काफी ज्यादा होगा। अगर हीट सिंक अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो आपका जो है जो डिवाइस है, अगर हीट अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाई तो आपका जो है जो J2 जंक्शन है उसका टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर बढ़ गया तो डिवाइस क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। दूसरा, तो एक तो यह है कि आपका इफेक्टिवली वर्क करना चाहिए, अगर इफेक्टिवली वर्क नहीं किया तो डिवाइस क्या हो जाएगी, J2 जंक्शन के क्रॉस डैमेज हो जाएगी। दूसरा ये बताओ,
आपको कितना फॉरवर्ड वोल्टेज चाहिए ब्रेक डाउन कराने के लिए, बिना गेट सिग्नल के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, 800 वोल्ट चाहिए। लेकिन ये बताओ घरों में कितना वोल्टेज आता है, घरों में कितना वोल्टेज आता है सिंगल फेज लोड में, 230 आता है। अगर यहां पर 200 घर में आप एसीआर लेके आए, 230 अप्लाई करेंगे, 230 वोल्टेज जो होगा वो J2 जंक्शन के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होगा, तो क्या ब्रेकडाउन हो पाएगा, क्या घर में ब्रेकडाउन करा पाओगे, क्या एक्सपेरिमेंट जब करोगे ब्रेकडाउन नहीं करा पाओगे। अच्छा मान लो थ्री फेज सप्लाई ली, ये तो सिंगल फेज था, अगर मैं आपसे बात करूं थ्री फेज मैंने सप्लाई ले रखी, थ्री फेज में लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना था, 400 वोल्ट आता है, 400 वोल्ट अप्लाई करो, क्या ब्रेकडाउन हो पाएगा, क्या J2 जंक्शन के क्रॉस, J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, तो क्या ये कंडक्शन मोड में जा पाएगा, नहीं। तो आप देखेंगे प्रैक्टिकल वर्किंग कंडीशन पे आपके पास इतना फॉरवर्ड वोल्टेज होता ही नहीं है कि आप J2 जंक्शन के क्रॉस क्या करा पाए, ब्रेकडाउन करा पाए, क्योंकि J2 जंक्शन के क्रॉस अगर आपको बिना गेट सिग्नल दिए हुए उसको क्या करना है, ऑन करना है, तो 800 वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में आपके पास घरों में उतना फॉरवर्ड वोल्टेज होता ही नहीं है कि आप J2 जंक्शन के क्रॉस क्या करा पाए, ब्रेकडाउन करा पाए, क्योंकि बिना गेट सिग्नल दिए हुए J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन कराने के लिए 800 वोल्टेज चाहिए। आपके घर में 230 वोल्ट आता है, या फिर अगर मैं थ्री फेज सप्लाई लूं तो 400 वोल्ट आएगा, लाइन टू लाइन वोल्टेज आएगा 400 वोल्ट, और ये वोल्टेज पे आपका J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन नहीं होगा। अगर J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन नहीं होगा तो डिवाइस आपकी जो है J2 जंक्शन कंडक्शन मोड में नहीं जाएगा, तो डिवाइस भी कंडक्शन मोड में नहीं जाएगी, इट इज बिहेविंग लाइक ए ओपन सर्किट विल बी देयर। तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं कि जब हम बिना गेट सिग्नल दिए टर्न ऑन करते हैं, तब आपका जो है J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन कराने के लिए 800 वोल्टेज चाहिए। 800 वोल्ट पे ब्रेकडाउन कराएंगे तो पावर लॉस J2 जंक्शन के क्रॉस काफी ज्यादा होगा, और 99% चांस है कि जो हीट सिंक है, जो हीट पावर लॉस बहुत ज्यादा होगा, ये हीट सिंक उस पावर को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इफेक्टिवली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से J2 जंक्शन का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से बढ़ जाएगा, डिवाइस J2 जंक्शन के क्रॉस क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगा। प्रैक्टिकली देखा जाता है कि अगर मैं बिना गेट सिग्नल दिए हुए टर्न ऑन करूंगा तो 800 वोल्टेज पे अगर मैं क्या करूंगा, ब्रेकडाउन कराऊंगा, बिना गेट सिग्नल दिए 800 वोल्ट पे ब्रेकडाउन होगा, और 800 वोल्टेज पे ब्रेकडाउन करोगे तो वोल्टेज इज वेरी वेरी हाई, करंट इज वेरी वेरी हाई, तो पावर लॉस इज वेरी वेरी हाई, तो पावर लॉस अगर बहुत ज्यादा होगा तो आपका जो है जो हीट सिंक है उस पावर को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो J2 जंक्शन का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ जाएगा, डिवाइस आपकी क्या हो जाएगी, टर्न ऑन होते समय डैमेज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं एससीआर को हम बिना गेट सिग्नल जो टर्न ऑन नहीं करते, किसकी हेल्प से टर्न ऑन करते हैं, गेट ही। जब मैं गेट सिग्नल अप्लाई करूंगा तो J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन होगा, लेकिन कम वोल्टेज पे होगा, 800 पे नहीं होगा, कम वोल्टेज पे, 230 वोल्ट पे हो जाएगा, फिर 400 वोल्ट, 400 वोल्टेज पे जब ब्रेकडाउन होगा तो पावर लॉस तो कम होगा, ही सी उस पावर को बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा, डिवाइस बिना डैमेज हुए क्या हो जाएगी, टर्न ऑन हो जाएगी। दिस इज द फॉर्मेट विल बी देयर कि हम गेट सर्किट से कैसे टर्न ऑन करेंगे। तो इसमें लिखना स्टार्ट करो जब हम बिना गेट सिग्नल दिए हुए एससीआर को ऑन करते हैं तो 800 वोल्टेज पे ब्रेकडाउन होता है, पावर लॉस बहुत ज्यादा होता है, हीट सिंक उस पावर लॉस को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, डिवाइस क्या होती, डैमेज हो जाती है, या फिर प्रैक्टिकल कंडीशन में इतना फॉरवर्ड वोल्टेज होता ही नहीं है आपके पास कि आप जो है J2 जंक्शन के क्रॉस क्या करा पाए, ब्रेकडाउन। तो प्रैक्टिकली हम इस टर्न ऑन मेथड को यूज नहीं करते। क्लियर है क्या रक्षा शंकर, क्लियर है जो मैंने बताया, चलो लिखना स्टार्ट करें। और ये बताओ, हेलो ये बताओ, जब J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन होगा, ध्यान से देखो, जब J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन होगा तो J2 जंक्शन किस मोड में चला जाएगा, रिवर्स कंडक्शन, ये कंडक्शन में आ जाएगा, ये भी कंडक्शन में आ जाएगा, ये भी कंडक्शन में, तो पूरी पूरी डिवाइस किस मोड में आ जाएगी, कंडक्शन मोड में आ जाएगी। कंडक्शन मोड का स्विच क्लोज हो जाएगा, स्विच क्लोज हो जाएगा तो डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज कम होगा एंड करंट थ्रू द डिवाइस विल बी स्टार्टेड इंक्रीजिंग, करंट इमीडिएटली बढ़ेगा और डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज सडनली क्या होगा, रिड्यूस होगा। तीनों के तीनों जंक्शन कंडक्शन मोड में है, मतलब फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव कर रहे हैं, स्विच विल बी क्लोज क्लोज क्लोज, तो ओवरऑल स्विच विल बी क्लोज, तो डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज इमीडिएटली 800 से घट के 1 या फिर 2 वोल्ट हो जाएगा और करंट टू द डिवाइस विल बी स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, क्या करना है बेटा, पुष्पा ऊपर जो स्टेटमेंट लिखे उसे रीड कर दीजिए, इन स्टेटमेंट को रीड करना है क्या, इनको देखो, यहां पर मैंने लिखा फॉरवर्ड ब्रेक ओवर, VBO को लिखा है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ब्रेकडाउन ऑकर अक्रॉस द J2 जंक्शन,
ब्रेकडाउन अक्कर अक्रॉस द जे टू जंक्शन, और जे टू जंक्शन के अक्रॉस ब्रेकडाउन हो जाएगा तो जे टू शो दैट जे टू जंक्शन इज स्टार्ट कंडक्टिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, जे टू जंक्शन रिवर्स में कंडक्शन करेगा, जो कि विच एक्ट फॉरवर्ड कंडक्शन फॉर द रिले, जो डिवाइस के लिए फॉरवर्ड कंडक्शन है, एंड द डिवाइस इज स्टार्ट कंडक्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन सो द एसटीआर विल बी टर्न ऑन. लिखना स्टार्ट करो अब. When we turn on the SCR without applying the gate signal. When we turn on the SCR without applying the gate signal, very high forward voltage is required. Very high forward voltage. That is, very high forward voltage means that is. उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं जो ब्रेकडाउन कराता है? वेरी हाई फॉरवर्ड वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड VBO, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, जो कि लगभग कितना होता है बेटा, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 800 वोल्ट का रिक्वायरमेंट होता है. ठीक है, तो जब आप देखेंगे when we turn on the SCR without applying the gate signal, very high forward voltage, कितना forward voltage apply करना पड़ेगा? 800 volt is required. Very high forward voltage is required for the breakdown across J2 junction. Very high forward voltage is required for the breakdown across the junction. Junction के cross बहुत ज्यादा forward voltage की जरूरत है, या फिर breakdown voltage की value ज्यादा है, तो जब breakdown होगा तो power loss बहुत ज्यादा हो. ठीक है, high voltage पे जब breakdown कराएंगे तो power loss बहुत ज्यादा होगा. very high voltage required है. ठीक है, so that at the time of breakdown across J2 junction, high forward voltage of breakdown karayenge, the power loss is very high. Power loss बहुत ज्यादा होगा बिना गेट सिग्नल के कराएंगे, 800 पे होगा. Power loss is very high. If heat sink का काम है heat को, अगर heat sink properly work नहीं किया, बहुत ज्यादा power loss होगा, heat sink उस power को absorb कर, लेकिन power loss इतना ज्यादा होता है कि heat sink उसको जरूरी नहीं कि प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर पाए. अगर हल्का सा भी हीट सिंक ने गड़बड़ी की पावर को एब्जॉर्ब कर दो, टेम्परेचर कितने से बढ़ जाएगा और एक कॉस्टली डिवाइस डैमेज हो जाएगी. ऑन करने गए, गेट था लेकिन बिना गेट के ऑन करने का, और हीट सिंक अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करो, आपका जो है J2 जंक्शन के क्रॉस डिवाइस डैमेज हो जाएगी. वेरी कॉस्टली डिवाइस विल बी डैमेज आपकी गलती की वजह से. वेरी हाई इफ हीट सिंक, तो इस टर्न ऑन मेथड में चांस है, डिवाइस के डैमेज होने का. किशन कुमार समझ रहे हो ना, चांस है, ऑन हो सकती है, लेकिन अगर हीट सिंक प्रॉपरली हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो डिवाइस डैमेज भी हो सकती है. देयर इज ए लॉट ऑफ चांसेस फॉर द डैमेज, और मोस्ट ऑफ द टाइम डिवाइस डैमेज हो जाती है, प्रैक्टिकली देखा जाता है. इफ द हीट सिंक इज नॉट working efficiently, if the heat sink is not working efficiently,
efficiently the device may be damaged, may be damaged, may be damaged across J2 junction. एक तो इस मेथड से टर्न ऑन करने में डिवाइस के डैमेज होने का खतरा बहुत ज्यादा है, दूसरा प्रैक्टिकली आप ऑन ही नहीं कर सकते, क्या इतना वोल्टेज होता है, क्या इतना फॉरवर्ड वोल्टेज होता है कि ब्रेकडाउन करा पाओ? आपके घर में 230 आता है, थ्री फेज सप्लाई वाला लोड भी ले लिए तो 400 वोल्ट आएगा, ब्रेकडाउन होगा ही नहीं तो कहां से ऑन कर पाओगे? तो प्रैक्टिकली हम बिना हमारे घर में इतना वोल्टेज होता ही नहीं कि बिना गेट सिग्नल के आप टर्न ऑन कर पाए। अगर मान लो आपने किसी तरह अरेंज कर लिया 800 वोल्ट बैटरी वैटरी लगा के, तो डिवाइस के डैमेज होने का खतरा बहुत ज्यादा है, डिवाइस आपकी डैमेज हो सकती है, इसलिए प्रैक्टिकली हम इस तरीके से बिना गेट सिग्नल के अपने डिवाइस को ऑन नहीं करते हैं। मान लो इतना परेशान हुए कि 800 वोल्ट की बैटरी लगाए कनेक्ट करके, ठीक है, इन्वर्टर की कई सारी बैटरी को सीरीज में लगा 800 वोल्ट बना लिया और ऑन करने गए, ऑन करने का डिवाइस फक से उड़ गई, तो फिर क्या करोगे? ठीक है, तो नाउ दिस विल, इसलिए इस मेथड को हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दूसरा, दिस इज द वन मेथड कि हम इस मेथड को यूज नहीं, दूसरा इसमें पॉइंट लिखे, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखे, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली 800 वोल्ट जो कि क्या है बेटा, जो कि है ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ J2 जंक्शन, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ J2 जंक्शन विच इज नोन एज ए VBO, दैट इज 800 वोल्ट, दैट इज प्रैक्टिकली 800, ये वो वोल्टेज है, ये वो फॉरवर्ड वोल्टेज है जो J2 जंक्शन का 800 फॉरवर्ड वोल्टेज इज नॉट अवेलेबल अवेलेबल एट द कंज्यूमर एंड, एट द कंज्यूमर के पास इतना वोल्टेज ही नहीं होता है, कंज्यूमर के पास 800 वोल्ट आता है का? नहीं आता भैया, 800 वोल्ट नहीं आता है, जनरेटर लगा के थोड़ा तुम जनरेट करने लगोगे कि हम SCR के लिए जनरेटर लगाएंगे अपने घर में, 800 वोल्ट जनरेट करेंगे फिर उसको ऑन करेंगे, ऐसे पगले लोग तो ना देखे होंगे तुमने, कुछ होते हैं ऐसे कि नहीं हमें सर SCR ऑन करना है, हम अलग से जनरेटर लगाएंगे, तो जनरेटर लगाओ फिर कॉस्टिंग देखना, जनरेटर लगाने की कॉस्टिंग देख लेना कितनी आएगी, ठीक है, और वैसे भी आप जनरेटर लगाओगे तो 230 गई। हाँ, टाइम हुआ है, मुझे मालूम है 10:30 बजे क्लास स्टार्ट हुई है, 3 घंटे की क्लास थी, ठीक है, स्टेबलाइजर से इतना वोल्टेज ना इंक्रीज कर पाओगे बेटा कि आप 230 को 800 वोल्ट कर लोगे, ठीक है, आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा, वैसे भी 2 वाइंडिंग यूज, ऑटो नहीं यूज करते हैं फॉर दैट इज, ठीक है, समझे, 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर खरीद के लाओ, जरा 2 वाइंडिंग करोड़ों को आता है, जाओ खरीद के लाओ, 3 लाख की डिवाइस के लिए तुम 1 करोड़ का ट्रांसफॉर्मर खरीदने जाओगे, वेरी गुड, कुछ लोग करें स्टेबलाइजर पगला के होगा, स्टेबलाइजर से 800 वोल्ट कर लेते ना तो फिर ट्रांसफार्मर की क्या जरूरत थी, अस पगलापन वाले क्वेश्चन करें, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता वाला केस है, अभी चुनाव होने वाले हैं, है ना, तुम्हारे भी जो पार्टी कर दे, ठीक है, छाता पार्टी, चलो कंज्यूमर एंड, तो इतना फॉरवर्ड वोल्टेज अवेलेबल ही नहीं होता, सो दैट ब्रेकडाउन ऑकर अक्रॉस J2 जंक्शन, ब्रेकडाउन अकर अक्रॉस द J2 जंक्शन, ब्रेकडाउन अकर अक्रॉस द J2 जंक्शन, सो दैट
तो यहां पर ध्यान से देखें, इतना प्रैक्टिकल वोल्टेज नहीं होता, तो एक तो अगर इतना वोल्टेज तुम लिया है कहीं से बना लिए तो डैमेज हो जाएगी डिवाइस, डैमेज होने का चांस बहुत ज्यादा है, और दूसरा प्रैक्टिकल इतना वोल्टेज होता ही नहीं कि ब्रेकडाउन करा पाओ बिना सिग्नल के। सो दैट वी विल नॉट प्रेफर्ड दिस मेथड मतलब That is, this method का मतलब without applying the gauge, बिना gauge signal के, we will not prefer this method to turn on the SCR। जरा आप देखो करैक्टरिस्टिक में जाते हैं, रुक जाओ यार अभी बस ना करिए, अभी करैक्टरिस्टिक बनाना है, बेहोश हो जाओगे अभी। आओ जरा करैक्टरिस्टिक बना, बिना गेज सिग्नल दिए करैक्टरिस्टिक बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, क्लियर है? प्रैक्टिकली में ये मेथड नहीं यूज है, इस मेथड से डिवाइस डैमेज हो सकती है क्योंकि वेरी वेरी हाई वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है ब्रेकडाउन कराने के लिए, ध्यान से देखो। चले करैक्टरिस्टिक में, जहां करैक्टरिस्टिक बना रहे थे वहीं आ जाओ। चले चलो आ जाओ जरा। अब देखो बिना गेज सिग्नल दिए टर्न ऑन कर रहे हैं, ध्यान से देखो जब मैं अपने एनोड टू कैथोड वोल्टेज या फिर फॉरवर्ड को बढ़ाते बढ़ाते कहां तक ले जाऊंगा, दैट इज वीबीओ के बराबर, वीबीओ दैट इज कॉल्ड That forward voltage जिसमें J2 junction breakdown, J2 junction के cross breakdown होगा, तो तीनों के तीनों junction क्या हो जाएंगे, conduction mode में चले जाएंगे, और जैसे ही तीनों तीनों mode conduction mode में आ जाएंगे तो device भी conduction mode में आ जाएगी, तो device के cross voltage कम होगा and current through the device will start increasing, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, अभी गेज सिग्नल नहीं दे रहा, बिना गेज सिग्नल दिए ब्रेकडाउन कराने के लिए 800 वोल्टेज चाहिए, इस 800 वोल्टेज को बोलते हैं VBO, this is called VBO. What is the VBO? This is the forward break over voltage. This is a forward break over voltage. लिख रहा हूं आप जरा ध्यान से देखते जाओ. This is VBO. VBO का full form है forward break ओवर वोल्टेज, मतलब इस फॉरवर्ड वोल्टेज पे J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज विच ऑकर द ब्रेकडाउन अक्रॉस J2 जंक्शन, एंड व्हाट इज द वैल्यू बिना गेज सिग्नल दिए, VBO की वैल्यू कितनी होती है, 800 वोल्ट, ठीक है? ध्यान से देखिए, अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब आप अपने एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, J2 जंक्शन के क्रॉस क्या होता जा रहा है बेटा, J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर बढ़ती जा रही है, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, लीकेज करंट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फॉरवर्ड एस लीकेज करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब आप अपने फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज या फिर एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते कितना रख देंगे, हेलो, बढ़ाते बढ़ाते वीबीओ के बराबर कर देंगे, बढ़ाते बढ़ाते वीबीओ के बराबर कर देंगे, तब J2 जंक्शन, हेलो, वीबीओ के बराबर कर देंगे, J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन हो जाएगा, J2 जंक्शन किस मोड में पहुंच जाएगा, रिवर्स कंडक्शन, और रिवर्स कंडक्शन डिवाइस के लिए कैसा कंडक्शन है, फॉरवर्ड कंडक्शन, तो तीनों के तीनों जंक्शन आपके कंडक्शन मोड में चले जाएंगे, तो डिवाइस एक क्लोज स्विच के बिहेव करेंगे, तो डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सडनली जैसे ही ब्रेकडाउन होगा तीनों के तीनों जंक्शन कंडक्शन मोड में है, तो डिवाइस कंडक्शन मोड में है, तो डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, करंट थ्रू द डिवाइस इज फॉरवर्ड डायरेक्शन इज वेरी वेरी हाई, क्योंकि जब डिवाइस कंडक्शन मोड में होता है तो स्विच क्लोज होता है, वोल्टेज क्रॉस द डिवाइस इज जीरो,
आइडियली प्रैक्टिकली वेरी वेरी स्मॉल ड्रॉप अक्रॉस दैट वेरिएंट करंट छूटा दी वैसे स्टार्ट इंक्रीजिंग या फिर वेरी वेरी हाई करंट इज पासिंग, तो जैसे ही बेटा ब्रेकडाउन होगा इमीडिएटली डिवाइस जे टू जंक्शन ब्रेकडाउन होते ही तीनों तीनों जंक्शन कंडक्शन मोड में होंगे तो डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज सडनली डिक्रीज होगा, जो 800 ब्रेकडाउन होते समय 800 वोल्ट था सडनली वोल्टेज 2 से 3 वोल्ट आ जाएगा, सडनली तीनों के तीनों जंक्शन कंडक्शन मोड में अगर सडनली वोल्टेज डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज सडनली क्या होगा कम होगा, डिवाइस के क्रॉस सडनली वोल्टेज कम होगा, हेलो वोल्टेज एनोड डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज सडनली क्या होगा कम होगा एंड करंट थ्रू द डिवाइस इज स्टार्ट इंक्रीजिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज द करैक्टरिस्टिक। और आप देखेंगे आपकी करैक्टरिस्टिक कहां पर बन रही है बेटा, करैक्टरिस्टिक फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रही है, लेकिन किसके पास, पॉजिटिव वर्टिकल एक्सिस पास, तो आपकी जो है जो SCR है वो दूसरे मोड को सपोर्ट करेगा दैट इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करेगा। यहां पर आप दो चीज डिफाइन करो, ध्यान से देखो, यहां पर मैं डिफाइन करो, दिस इज कॉल्ड लैचिंग करंट IL, दिस इज कॉल्ड लैचिंग करंट IL इज कॉल्ड लैचिंग करंट। एंड बेटा इसके नीचे भी मैंने कुछ दिखाया लैचिंग करंट के नीचे, ध्यान से देखो करैक्टरिस्टिक को मैंने थोड़ा और नीचे भी दिखाया, और बेटा ये जो करंट है दिस करंट इज कॉल्ड होल्डिंग करंट IH, This is called holding current. अब ये कौन सी चीजें हैं, लैचिंग करंट होल्डिंग करंट अभी डिस्कस करेंगे, बिल्कुल एक क्लास लगेगी लैचिंग करंट के लिए और डेढ़ क्लास लगेगी होल्डिंग करंट के लिए, तो अभी घबराना नहीं है, कहा है बहुत तगड़ी चीजें हैं, होल्डिंग करंट वी विल डिस्कस होल्डिंग करंट। अब पूछा जाता है लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट में कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। अच्छा ये जो करैक्टरिस्टिक, हेलो ये जो मैंने करैक्टरिस्टिक बनाई है, अभी मैंने कितना गेट करंट अप्लाई किया, हेलो आप देखेंगे यहां पर मैंने J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन कराया है कितने वोल्टेज में 800 अप्लाई, इस समय मैंने गेट करंट, तो ये मैंने करैक्टरिस्टिक बनाई है SCR की, ये मैंने करैक्टरिस्टिक बनाई है जब कितना गेट करंट अप्लाई किया है 0, बिना गेट सिग्नल अप्लाई किए ये करैक्टरिस्टिक। अभी मैं गेट करंट अप्लाई करूंगा, यहां पर आप देखेंगे कि मैं अपने एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते जब 800 के पास ले गया तब ब्रेकडाउन हुआ है, और जब 800 जे टू जंक्शन के क्रॉस 800 वोल्ट अप्लाई करने पर ब्रेकडाउन होता है तब आप गेट सिग्नल नहीं अप्लाई करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने करैक्टरिस्टिक बनाई है SCR की जब 0 गेट करंट अप्लाई, दैट इज 0 गेट करंट, इसलिए VBO, O मतलब 0 गेट करंट पे ब्रेकडाउन हो रहा है, हेलो VBO ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज किस करंट पे 0 गेट करंट। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैचिंग करंट और होल्डिंग, देखो लैचिंग करंट मैंने ऊपर बनाया है होल्डिंग करंट नीचे बनाया, तो आपको हमेशा याद रखना है कि SCR में लैचिंग करंट की वैल्यू होल्डिंग करंट से क्या होती है ज्यादा होती है, क्या होती है ज्यादा होती है, तो इसी के नीचे लिखेंगे बगल में, यहां पर लिखो, यहां पर SCR में लैचिंग करंट इज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट, लैचिंग करंट की वैल्यू होल्डिंग करंट से ज्यादा होती है, और लैचिंग करंट होल्डिंग करंट लगभग कितना होता है देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लैचिंग करंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.4 टाइम्स ऑफ द होल्डिंग करंट, लैचिंग करंट 2.4 टाइम्स लगभग 2.4 गुना होता है होल्डिंग करंट का, और पूछा जाए SCR में लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट का जो रेशियो है लगभग कितना होता है 2.4, ये याद रखिएगा, मैंने एग्जैक्ट लिखा है, एग्जामिनेशन में एक बार क्वेश्चन आया था, नियरेस्ट आंसर लगाते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखा है, दिस इज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, लैचिंग करंट की वैल्यू होल्डिंग करंट से ज्यादा होती है, ठीक है, लैचिंग करंट लगभग 2.4 टाइम्स होता है होल्डिंग करंट के, और लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट का रेशियो होता है 2.4। अगर डिवाइस को टर्न ऑन होना है, देखो लैचिंग करंट का रिलेशन है टर्न ऑन से, अगर डिवाइस को टर्न ऑन होना है तो एनोड करंट को कहां तक पहुंचना पड़ेगा लैचिंग करंट, अगर आपकी डिवाइस को ऑफ होना है तो एनोड करंट को कहां तक पहुंचना पड़ेगा होल्डिंग, अगर आप अपने SCR को ऑफ करना चाहते हैं तो एनोड करंट को घटा के होल्डिंग करंट तक लाना पड़ेगा, होल्डिंग करंट इज रिलेटेड फॉर द टर्न ऑफ, डिस्कस जब टर्न ऑफ बताऊंगा तो मैं डिस्कस करूंगा, लगभग 3 से 4 घंटे का टॉपिक है होल्डिंग करंट ही, केवल होल्डिंग करंट की डिफिनीशन बताने में मुझे जो है 4 से 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि कई सारी चीजें समझानी पड़ेंगी तब जाकर डिफिनीशन समझ में आएगी,
होल्डिंग करंट इज रिलेटेड फॉर द टर्न ऑफ, अगर एससीआर को टर्न ऑफ करना है तो एनोड करंट को होल्डिंग करंट तक लाना पड़ेगा, और एससीआर को अगर टर्न ऑन करना है तो एनोड करंट को कहां तक लाना पड़ेगा, लैचिंग करंट तक लाना पड़ेगा। तो लैचिंग करंट इज रिलेटेड फॉर द टर्न ऑन प्रोसेस एंड होल्डिंग करंट इज रिलेटेड फॉर द टर्न ऑफ, वी विल डिस्कस, ठीक है, याद रखिएगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था, मैं लिख रहा हूं, ये करैक्टरिस्टिक में किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलो, यहां पर एक क्वेश्चन आया था, नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। इन द एससीआर व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैचिंग करंट टू होल्डिंग करंट? ऑप्शन नंबर ए 0.5, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 1.5 एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज 2। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आप देखेंगे लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट का जो रेशियो होता है वो 2.4 होता है। अगर 2.4 नहीं दिया तो जो नियरेस्ट आंसर होगा, 2.4 के नियरेस्ट आंसर क्या है? 2। तो यू कैन बी गो फॉर द 2। लेकिन एक्चुअल में आंसर है 2.4 टाइम्स होता है, लेकिन अगर 2.4 टाइम्स नहीं दिया तो 2.4 के जो सबसे नजदीक होगा उसी को टिक करिएगा। ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा जा चुका है, मैंने आपको एग्जैक्ट लिखाया है। तो अभी तक हमने देखा है सीआर को हम कंडक्शन मोड में लेके गए, लेकिन बिना गेट सिग्नल के। बिना गेट सिग्नल के तो आप देखेंगे उतना सप्लाई वोल्टेज ही नहीं होता है प्रैक्टिकली कंज्यूमर के पास, अगर बना भी लिए किसी तो डैमेज होने का चांस ज्यादा। तो हम सीआर को किसकी हेल्प से टर्न ऑन करते हैं, किसकी हेल्प से टर्न ऑन करते हैं? गेट सिग्नल की हेल्प। तो नेक्स्ट मेथड लिखेंगे दैट इज, नेक्स्ट लिखिए टर्न ऑन, टर्न ऑन मेथड, या फिर हम सीआर को टर्न ऑन करने वाले बाई अप्लाइंग द गेट सिग्नल। तो नेक्स्ट लिखेंगे Turn on the SCR, turn on method of SCR by using, किसकी हेल्प से पढ़ा रहा हूं? By applying. By applying gate signal, gate signal apply करें, मतलब इस बार gate signal की value 0 नहीं होगी, gate signal apply करेंगे, ठीक है? या फिर इसी heading को हम लोग एक और तरीके से जानते हैं, gate signal के अंदर कैसे turn on करते हैं, या फिर significance of gate signal का महत्व तो बताने वालों के, gate signal कैसे turn on करता है, what is the significance, what is the महत्व of gate signal in the SCR, SCR में क्या महत्व है gate signal का, turn on करने में महत्व है, लेकिन कैसे turn on करता है कि आपकी डिवाइस डैमेज नहीं हो, ये देखना। That is, इसी को लिख सकते हैं significance significance ऑफ गेट सिग्नल, ठीक है? तो इसको मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है? कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कोई बताएगा नहीं करैक्टरिस्टिक ये सब चीजें, तो चाहे जहां देख लेना, ठीक है? चलो 8 बजे में जो है आपका जो है क्या कहते हैं मशीन की क्लास होगा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो टॉपिक बचा है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? 2 घंटे का टॉपिक है, हाँ बिल्कुल लीव कर सकते हैं, जिनका हो गया यू कैन बी लीव द टॉपिक। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ, आज खत्म हो जाएगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ऊपर लिखना है अभिनंदन तुमको। चलो लिखो, जल्दी लिखो, कहाँ लिखना है बताओ, और ऊपर करें। हाँ, जनरेशन में आपको अब स्टार्ट करूंगा, परेशान नहीं हो, मंडे से मैं आपका जो है ट्रांसमिशन स्टार्ट करूंगा, एक दो दिन का टाइम लेके मैं आपका स्टार्ट खत्म करूंगा, ठीक है?
हाँ मैं अब चेक कर रहा हूँ, अब मैं लेक्चर अपलोड नहीं करूंगा। तुम लोग ऑनलाइन क्लास नहीं करते हो, डाउनलोड करके करते हो, लेक्चर में 10-10 बार लेट करके करूंगा। करो तुम लोग को तभी समझ में आएगा। अरे ऑनलाइन में साथ साथ नोट्स बना लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बाद में टाइम नहीं मिलता है, पता नहीं तुम लोग क्या करते हो। हाँ अभिनंदन, कहाँ तक करना है? थोड़ा और ऊपर, और इसी का ठीक है, लिखो लो। चलो बाकी लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं जिनका हो गया। लाइट चली गई थी, वाईफाई चला गया था, छोटी वाली बैटरी रख लो यार। सर रिटर्न टिकट कब का कराना आने के लिए? जब केसेस कम हो जाए तो यू कैन बी गो बैक, यानी कम बैक टू द इलाहाबाद। अगर आपका जो ऐसा यूपीपीसीएल का पेपर है वो अप्रैल लास्ट में है, मेरी बात हुई थी, जो है अप्रैल लास्ट में कंडक्ट होगा, तो आप लोग पढ़ाई चालू रखें, ठीक है? अप्रैल लास्ट में आप देखेंगे आपकी आरआरबी जेई की वैकेंसी भी आपकी अभी निकलने की आशा है, और जो भी आपके एग्जामिनेशन है यूपीआरवीएनएल यूपीपीसीएल, ये सारे के सारे अप्रैल में होंगे चुनाव के बाद। मार्च तक तुम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? चलो हो गया अभिनंदन, और ऊपर करें कर। चलो चलो